सो ये व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं सभी लोग। वेलकम बैक टू अनदर गेम प्ले वीडियो। तो गाइस आज हम लोग दोबारा से खेलने जा रहे हैं GTA 5 मोबाइल, जो कि तुम्हारे भाई ने बनाया है। तो जैसा कि तुम लोगों को याद होगा, लास्ट वाले वीडियो के अंदर जो कि ऑलमोस्ट 3 महीने पहले आया था, उसके अंदर हम लोग टेक्नो गेमर्स की लैम्बोर्गिनी सियान FKP 47 उसने थोड़ी कस्टमाइज कर रखी है, इसलिए 47 कस्टम लैम्बोर्गिनी सियान है भाई, उसको चुरा कर हम लोग हमारे अंकल के लेकर आए थे। और देन लास्ट वाली वीडियो के अंदर तुम लोगों को याद होगा कैसे हमारी इनोवा क्रेस्टा, हमारी ऑडी R8 और हमारी ये ब्रांड न्यू होंडा सिविक, जिसको कि हम पुलिस वालों चुरा कर लेकर आए थे, जो कि चोरी हो गई थी और उससे कुछ कांड वांड भी हो गए थे। तो इन सब के अंदर पता नहीं कुछ डिफेक्ट आ गया था कि इस गाड़ियों के अंदर स्पीड नहीं आ रही थी, और भाई मैंने ये क्या लगा लिया, फॉरगेट इट। तो मतलब स्पीड नहीं आ रही थी, मतलब ये सारी गाड़ियाँ ख़राब है। और लास्ट टाइम मैं जब अपनी बाइक यहाँ छोड़कर गया था, तो पीछे से लमार आया था और मेरी बाइक लेकर चले गया था, उसने कहीं ठोक ठाक दी थी, उसके बाद ये सही भी कराया था। लेकिन अब मेरी बाइक के अंदर भाई एक इशू और आ रहा है कि मतलब जैसे ये ज़्यादा एक्सेलरेटर बहुत तेज़ हो रहा है, और क्या कहते हैं ओवरक्लॉक हो चुका है इंजन, प्लस जो इसके ब्रेक है वो बहुत ज़्यादा टाइट हो गए, तो हल्के से ब्रेक में भाई बाइक स्टॉप ही मार देती है। तो आज का हमारा गोल ये है कि सबसे पहले तो हमको ये गाड़ियाँ सही करवानी है, उसके बाद भाई हमको माइकल ने बुलाया कि भाई एक काम भी तेर से, तो वो भी करने चलना है। लेकिन सबसे पहले मैं अपनी गाड़ियों को डाल कर आऊँगा, और वैसे ही माइकल ने हमको परसों बुलाया है, तो आज और कल का टाइम है, तो मैं चाहता हूँ कि आज और कल में मैं अपनी तीनों गाड़ियों को इनके सर्विस सेंटर पहुँचा दूँ। और मैं सबसे पहले तुमको ये बाइक दिखाता हूँ भाई, इस बाइक के अंदर क्या है आप देखना, जैसे ही मैं मतलब हल्की सी रेस दूंगा ना भाई ये बाइक, पहले एक काम करता हूँ मैं अपनी गाड़ियाँ अंदर कर दूँ। और भाई जैसे देख सकते हो अपनी ये जो सिविक है ना भाई, देखना अभी ये कितनी पंचर हो रखी है, बस इसका एक टायर रह गया ड्राइवर के पीछे वाला, भाई देखो तीनों नहीं ड्राइवर को ड्राइवर के पीछे, हाँ ड्राइवर के पीछे वाला, ये तो को ड्राइवर होता है ना, मतलब मेरे को थोड़ा इंडियन याद है, तो को ड्राइवर के पीछे वाला टायर रह गया है बस भाई। तुम देख रहे हो इतना भाई बुरी हालत हो रखी है मेरी सिविक की, वरना भाई बहुत अच्छी गाड़ी है और इसकी स्पीड भी नहीं है। चलो मैं तुमको दिखाता हूँ कि ये इस बाइक को क्या हो गया। अब तुम देखो जैसे ही एकदम से देखो एक्सेलरेटर देखो कितना तेज़, और भाई स्टॉप ही देखो भाई गिरी गया भाई, मैं इतनी तेज़ स्टॉप ही पड़ रही है भाई इस बाइक के अंदर। और भाई ये LSPD वाले यहाँ से भाई तुम स्पीड देखो इसकी भाई, मतलब इसकी ब्रेकिंग बहुत ज़्यादा अच्छी हो गई। और भाई मैं सोच रहा हूँ कि मैं ना अपनी इनोवा क्रेस्टा दे के टोयोटा की ही फॉर्च्यूनर लेजेंडर ले लूँ, तो तुम उसका भी मेरे को नीचे कमेंट्स बताओ। और बाकी मैं अपने इंस्टाग्राम पे भी पोल वोल करते रहता हूँ, तो नीचे मेरी इंस्टाग्राम आईडी मेंशन है, तो तुम चाहो तो मेरे को फॉलो कर सकते हो यहाँ पर, मतलब तुम समझ रहे हो ना मैं इंस्टाग्राम पर भी एक्टिव रहता हूँ, तो तुम चाहो तो मुझसे इंस्टाग्राम पर भी सवाल ववाल पूछ सकते हो, या फिर तुम जो मेरे पोल्स होते हैं तुम उसके अंदर पार्ट ले सकते हो। खैर फिलहाल मैं फटाफट यहाँ पे एयरपोर्ट पे आ गया तुमको इसका स्पीड टेस्ट दिखाने के लिए, तुम एक बार इसका स्पीड टेस्ट देखना और तुम देखना कितनी पागल हो चुकी है बाइक। एंड हियर वी गो गाइस, तो 0 to 60 गई, 60 miles 100, 150 क्रॉस कर दी, 200 क्रॉस कर दी, एंड क्या ये 250 जाएगी, क्या ये 250 जाएगी, और भाई 250 हिट कर दी। और भाई देखो ये हो रहा है भाई इस बाइक के अंदर, पता नहीं इस बाइक को गजब ही चुल मच रही है भाई, तुम ही बताओ मैं क्या करूँ भाई इस बाइक का, इस बाइक ने मतलब भाई परेशान कर दिया है। और भाई इधर से भाई कितनी दूर जाके गिरा हूँ मैं, तुम देख रहे हो, इसलिए कहते हैं ऑलवेज वेयर हेलमेट, तुम लोगों को भी हेलमेट पहनना चाहिए, तुम लोग भी भाई हेलमेट पहनना आपसे ठीक है, मैं तो चलो इन गेम हूँ लेकिन तुम रियल लाइफ में भी हेलमेट पहना करो, हेलमेट पहनना बहुत अच्छी बात होती है। कोई नहीं गाइस, अभी हम यहाँ से निकलते हैं एयरपोर्ट से एंड चलते हैं अपने घर पे फटाफट यहाँ से। भाई इधर से हाँ थोड़ा इधर से, तुम देखना अभी क्या स्पीड पकड़ रहे हो भाई, देखो तुम ये देखो पूरी घूम जाती है भाई के, पता नहीं इसके अंदर क्या कर दिया। इस बाइक को भी सही करवाना है मुझे अपने उस अंकल से, या फिर जो उसके लोकल शोरूम होते हैं उनसे इसकी स्पीड को थोड़ा सही करवाऊँगा। और भाई ये गई, ओहो भाई 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 अभी एक्सीडेंट हो जाता है भाई, अभी को 192 भाई भागो भाई यहाँ से। ओ भाई 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 इसका एक्सीलेटर जो है ना वो मतलब बहुत ज़्यादा तेज़ हो गया, बहुत जल्दी स्पीड पकड़ रहा है, और जो गियर शिफ्टिंग है वो गियर शिफ्टिंग भी बहुत जल्दी करता है फ्रैंकलिन, तो क्योंकि रेस जल्दी बढ़ती तो भाई गियर शिफ्टिंग भी जल्दी होगी ऑब्वियस सी बात है। और भाई तुम देख सकते हो कितनी भाई कितनी तगड़ी स्टॉपिंग पड़ रही है भाई इस बाइक से, तो मेरे को हाँ ये बाइक भी सही करवानी है। चलो कोई नहीं, मैं एक बार को अपनी सिविक बाहर निकालता हूँ, पहले सिविक के ही मैं
टायर भी चेंज करवा दूँ, कब से स्टॉक टायर आए हुए। मैंने पिछली बार परफॉर्मेंस टायर अपनी ऑडी में लगवाए थे, और नहीं ऑडी में मैंने लगवाए थे ऑफ रोड टायर, और परफॉर्मेंस टायर लगवाए थे मैंने मेरी इनोवा क्रेस्टा के अंदर। तो मैं इसके अंदर भी सोच रहा हूँ अपने परफॉर्मेंस टायर ही लगवा दूँ, क्योंकि आई मीन एवरेज भी अच्छा रहता है और सब अच्छा रहता है। और भाई इनोवा क्रेस्टा के भी भाई हाल बेहाल है, तुम स्पीड देखो भाई इसकी, इतनी सी स्पीड होती है भाई इनोवा क्रेस्टा की, रियल लाइफ इनोवा क्रेस्टा की भी इतनी कम स्पीड नहीं होती भाई, पिकअप ही नहीं है भाई गाड़ी के अंदर। भाई तुम देखो यार क्या क्या हो क्या रहा भाई गाड़ी को, भाई ख़त्म हो चुकी है गाड़ी। अब मैं सोच रहा हूँ कि अगर इसका बायबैक में कुछ अच्छा मिले, ऑल ये गाड़ी अपनी नहीं है, ये सौरव जोशी की इनोवा क्रेस्टा है, तो मैं सोच रहा हूँ कि हाँ अगर इस गाड़ी का बायबैक में कुछ अच्छा प्राइस मिल जाए तो मैं मतलब है ना इसको फॉर्च्यूनर लेजेंडर से चेंज कर लूँगा। सौरव जोशी के पास ऑल तो दोनों हैं, लेकिन मैं इसको फॉर्च्यूनर लेजेंडर से चेंज करने सोच रहा हूँ भाई। अपनी ऑडी R8 तुम देख ही रहे हो भाई, क्या ऑडी R8 मस्त लगती है भाई, बूस्टर के बाद भी इतनी धीरे रेस चल रही है भाई, 50 की स्पीड पकड़ रही है गाड़ी भाई, मजाक है क्या यार, ऑडी R8 है भाई तू भाई, जो गाड़ी मतलब 300-400 किलोमीटर पर आवर भाग सकती है भाई, वो 50 किलोमीटर आवर पर स्पीड की स्पीड रोने में पकड़ने में रो रही है भाई। तुम ही बताओ भाई, अब ये ख़राब नहीं है तो और क्या है, इनकी शायद कोई 3D ट्यूनिंग होगी या फिर क्या होगी, जो भी होगा ट्यून होगी गाड़ी या फिर सही होगी, वो सब ये देखेंगे, मैं बस कुंडल डाल दूँ। सो ओके गाइस, मैंने एक गराज बंद कर दिया और मैं लेके चल रहा हूँ अपनी होंडा सिविक सेडान को उस अंकल के पास। और भाई तुम देख सकते हो यार क्या गंदे रिम घस रहे हैं भाई, रिम तो चेंज मांगता है भाई, रिम चेंज मांगता है भाई, तुम देख रहे हो यार, बस ये ड्राइवर के पीछे वाला टायर सही रह गया है, इन इंडिया को ड्राइवर के पीछे वाला टायर ही सही रह गया है भाई। कोई नहीं गाइस, मैं जैसे तैसे इस गाड़ी को लेके अंकल तक पहुंचता हूँ भाई, बहुत मेहनत लगेगी, तब तक तुम इस वीडियो को लाइक करो, चैनल पर नहीं हो चैनल को सब्सक्राइब करो और शेयर कर दो अपने GTA 5 लवर दोस्तों के साथ। अरे भाई अंकल थोड़ा हटा लो भाई, हट जाओ भाई थोड़ा। सो ओके गाइस, जैसे जैसे मैं बहुत मुश्किल से यहाँ तक पहुँच चुका हूँ, और जैसे देख सकते हो अभी भी भाई मतलब बहुत गलत ही जैसे, और भाई बहुत ज़्यादा टाइम तो लग गया, मैं ऑलमोस्ट दोपहर में निकला था भाई, मैं तो रात के 8:30 होने वाले, और भाई मैं फाइनली अब पहुँच ही गया हूँ भाई इनके। ऑल्दो इस गेम के अंदर टाइम भी जल्दी चलता है, लेकिन फिर भाई अगर रियल लाइफ सिनेरियो को अगर तुम मैच करो तो भाई चलती ही नहीं पहले तो गाड़ी भाई, इतनी तेज़ में इसको भगा के लिया, एक बार मैं पहले इसको सही करवाऊँ भाई, मैं भाई खुल जा भाई। हाँ भाई कलर्स के अंदर तो रहने दे, तो नाइट्रो लगा भाई, सबसे पहले नाइट्रो चाहिए मुझे, नाइट्रो इज़ द नीड ऑफ द आवर। एंड देन ये वाला नहीं इम्पोर्ट एटॉमिक नहीं, परफॉर्मेंस टायर कहाँ गए, इम बेकार है, वर्चुअल बेकार है, एक्सेस बेकार है, ऑफ रोड ये मेरी ऑडी में लग रहे हैं ऑफ रोड वाले, मेसा इज़ नॉट गुड, ग्रूव हाँ ट्विस्ट नहीं भाई, परफॉर्मेंस टायर इज बढ़िया है, वायर्स परफॉर्मेंस भाई अपन देख रहे हो गाड़ी की एकदम से वो भी क्या हो गई, हाइड्रोलिक्स अब मेरी गाड़ी के अंदर पहले से लगा हुआ है, कार स्टीरियो को मैं एक बार बेस बूस्टेड है ऑलरेडी मेरी कार का स्टीरियो। एंड मैं सोच रहा हूँ एक बार इसका कलर चेंज करवा लूँ, वो तो बाद में अपन कभी भी कलर चेंज करवा सकते, कलर चेंजिंग डोंट कॉस्ट मी दैट मच, तो एक बार देख रहा हूँ मैं कौन सा कलर बढ़िया रहेगा, मैं एक बार कोई बेस्ट कलर ले लूँ, नहीं भाई ये नहीं, ये बढ़िया लग रहा भाई, थोड़ा डार्क टोन हो गया पहले से, लेकिन हाँ भाई ये बढ़िया लग रहा है। चलो गाइस फाइनली मेरी और होंडा की सिविक सेडान सही हो गई है, अब मैं एक काम करूँगा अपनी गाड़ी को यहीं खड़ी करूँगा, एंड देन अंकल को बुलाऊँगा कि अंकल जल्दी आओ और मेरे साथ चलो, ज़रा मेरी बॉडी और सही करवा दो भाई। तो अभी अंकल को बुलाते हैं अपन यहाँ पे, एक बार इसकी टेस्ट ड्राइव तुमको दिखा दूँ कि भाई इसकी स्पीड कितनी हो गई, उसके बाद सही होने के बाद उनका स्पीड दिखाऊंगा, ऑब्वियस पिकअप अपन को यहीं से मिल जाएगी, चाहे अपनी गाड़ी को ले जाएं अपने घर से, लेकिन पिकअप गाड़ी यहीं से मिल जाएगी। पता नहीं टोयोटा का थोड़ा चेंज है, लेकिन होंडा और ऑडी के अंदर मैंने पूछा था यहीं से सर्विस, तो देख सकते हो मैं यहाँ अपनी गाड़ी खड़ी करके मैं एक बार अंकल को बुलाता हूँ कि अंकल भाई जल्दी आओ और चलो हमारे साथ। नहीं भाई अभी तो करवाइए वापस, गेट का खोल रहा है उसको भाई, उसको तो पैसे से मतलब है। और भाई तुम अभी देख सकते हो अपने पास है पूरे के पूरे $2.2 million, यानी अगर एग्जैक्ट बताओ तो $2,221,922। अब देखते हैं कि भाई कितने खर्च आएगा क्या आएगा, मैं अंकल को बुला लूँ एक बार। अंकल आ चुका है यहाँ पर फाइनली, और अब मैं अंकल से सब बता चुका हूँ, और अब चलो तुमको रास्ते में चलते चलते घर चलते चलते बताता हूँ। तो यार मैंने कहा कि मेरे अंकल को ये बताया है कि अंकल देखो, एक तो मेरी ऑडी R8 ख़राब हो चुकी है, उसके अंदर स्पीड नहीं आ रही, इसके अंदर भी अभी टायर वायर पंचर थे, वो टायर वायर मैंने जस्ट चेंज करवाए हैं, इसके अंदर भी स्पीड नहीं आ रही भाई गाड़ी में, ना मेरी इनोवा क्रेस्टा में स्पीड आ रही,
तो भाई ये मेरी सारी गाड़ियों को क्या हुआ, कल परसों मैं अपनी बाइक यहाँ पे सही करवा गया तो उस बंदे ने पता नहीं क्या ओवर क्लॉक कर दी गाड़ी के इंजन को, कि बाइक की जो स्पीड है वो भाई एकदम से बहुत तेज हो रही है, और ब्रेक भी इतने पारोल कर दिए कि हल्का सा आगे वाला ब्रेक मारते ही भाई गाड़ी एकदम उड़ती हुई जा रही है भाई। तो भी मैंने अंकल को सब बता दिया है, अब देखते हैं अंकल अभी क्या करता है क्या नहीं करता। तो गाइस अभी तुम जैसे देख सकते हो मैं अंकल को लेके जा रहा हूँ अपने घर, और भाई यहाँ पे एमिनेशन वाला आ गया, लेकिन एमिनेशन की मुझे ज़रूरत नहीं है, मेरे पास बहुत सारी गन्स वंस हैं। रही बात आर्मर की, तो आर्मर भाई अंकल अपन को जुगड़वा देगा, वो इतनी पहचान तो भाई अंकल की भी चलती है, और एक आर्मर शायद मेरे पास घर पर भी रखा होगा आर्मर के रिलेटेड। तो अभी मैं यहाँ से जा रहा हूँ अंकल को लेकर अपने साथ घर पे, और मैं तुमसे मिलता हूँ घर पहुँचने के बाद। जब तक भाई तुम भी काहे को फालतू वीडियो देखो। तो क्या जैसे देख सकते हो तुम फटाफट स्किप करके आ चुके हो भाई मेरे घर के आसपास। अब अंकल कह रहा है कि भाई अपन कंपनी वालों को फ़ोन तो कर लेते, लेकिन एक बार तुम मेरे को एक बार अश्योर कर दे, एक बार चेक करवा दे मेरे को गाड़ियाँ, कि तुम समझ रहा है ना भाई, कि मतलब एक बार गाड़ियाँ वास्तव में तेरी स्पीड नहीं आ रही क्या नहीं आ रही। और भाई अंकल आजकल राइफल लेके चल रहा है, अंकल का प्रमोशन हो गया, अंकल वाले पिस्टल लेके चलता था, आजकल अंकल राइफल लेके चल रहा है। तो भाई बाइक पे तो तू ऑब्वियस बैठ नहीं सकता, तो आजा भाई तेरे को ऑडी R8 में शेयर कराऊँ, तेरी तूने ज़िंदगी में नहीं करी करी होगी भाई ऑडी R8 में शेयर। भाई थोड़ा हट तो सही, पीछे तो लेने दे। हाँ आजा आजा आजा। अरे भाई स्क्रैच पड़ गए भाई इसके से। अरे भाई 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 कहाँ मर रहे हो अंकल, अंकल आ जाओ, अंकल आ जाओ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, बैठो आओ, बैठो 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 बैठो। तो अंकल को एक बार इसकी ऑडी R8 की स्पीड दिखा देते हैं भाई, देख ले भाई किसी देर में चल रही ऑडी R8 की स्पीड, भाई स्पीड नहीं पकड़ रही गाड़ी यार, मजाक चल रहा है क्या भाई, कोई गाड़ी स्पीड नहीं पकड़ रही भाई, ये देख इतनी दूर आ गए अपन, यहाँ तक स्पीड नहीं पकड़ भाई, भीड़ नहीं दूर आके ध्यान नहीं लगा, सॉरी 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 अपनी गाड़ी क्यों भीड़ भाई भाई। देख रहे हो यार तुम भाई कितनी मुश्किल से 100 माइल्स पर आवर की स्पीड पे आई है, 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे आई है भाई, 60 माइल्स पर आवर की स्पीड भाई बहुत मुश्किल से आई है भाई, 100 माइल्स 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड भाई बहुत धीरे होती है भाई ऑडी R8 के लिए। 100 पे तो भाई यहाँ पे इंडिया में अल्टो भाग लेती है, और भाई ये तो ऑडी R8 है। कोई नहीं गाइस, अभी अंकल कह रहा है चल ठीक है, अब तू एक काम कर मेरे को वापस घर लेकर चल, और अपनी दूसरी और वो भी लोग अभी दिखा दे सेविंग, तो मैं देखते हैं आया हूँ रास्ते पर। तो मैंने अभी अपनी ऑडी R8 को लेके आया भाई अपना अपने घर कर दूँगा भाई, इसकी ट्यूनिंग सही है भाई, ट्यूनिंग सही है इसकी, मतलब अगर थोड़ी सी स्पीड में बूस्टर हो तो भाई प्रॉपर स्किड मारती भाई, जो प्रॉपर टाइप स्किड होती है ना वो प्रॉपर मारती है ये गाड़ी अपनी ऑडी R8। वैसे गाड़ी बढ़िया है, लेकिन बस अभी मेरे को उसका स्पीड का इशू आ रहा है, उस गाड़ी को थोड़ा चलाया नहीं, एक बार बस मैं जो मेरा लास्ट पुलिस स्टेशन हुआ था उसके अंदर बस गाड़ी को उसको लेकर लैंड वेंचर्स गया था, और उसके बाद भाई मैं शायद ही गया होगा। कोई नहीं गाई, जब अपने घर चलते हैं और अंकल को अपनी इनोवा क्रेस्टा भी दिखाते हैं फटाफट से। सो ओके गाइस, जैसे हम देख सकते हो मैं आ चुका हूँ अपनी इनोवा क्रेस्टा लेकर, और मैं एक बार अपनी ये स्विविक को अंदर कर दूँ गराज के, वरना पता चले कोई चोर के ले गया। आजा भाई अंकल तू भी बैठ जा, तेरे को बैठना हर जगह, ये नहीं 2 सेकंड रुक जाए यहीं बैठेगा मेरे साथ। तो जैसे हम देख सकते हो मैंने अभी अपनी इनोवा क्रेस्टा बाहर निकाल ली, और ये अंकल कहाँ गए, अंकल अंकल वेयर आर यू, हेलो अंकल, अच्छा यहीं पर है कि मैं देखा कहाँ भाग हो गया भाई, कहीं भाग भाग गया क्या, टेलीपोर्ट हो गया यहीं कहीं। तो आज अंकल अब मैं तेरे को अपनी इनोवा क्रेस्टा दिखाऊंगा, इनोवा क्रेस्टा की भी रेड मर चुकी है, और भाई जल्दी से कंपनी वालों को फ़ोन करके भाई इनकी गाड़ी इसको गाड़ी को टो करवाओ, और भाई सही सही करवा कर वापस भाई डिलीवर करवा जल्दी, कम से कम भाई पूरा भाई ऐसते हो चुकी है भाई गाड़ियों की। और भाई देख लो यार इसके अंदर स्पीड नहीं आ रही भाई गाड़ी के अंदर, इस गाड़ी के पता नहीं मेरे को सस्पेंशन लग रहा है कि सस्पेंशन गए भाई, जब इसके सस्पेंशन लिफ्ट अप होता है ना हाइड्रोलिक से तब इसके सस्पेंशन सही चलते हैं, वरना भाई ऐसते हो चुकी है भाई गाड़ी की यार ये। एक बात तो है गाड़ी की मेंटेनेंस नहीं करनी आती मुझे, और अगर तुम लोगों को याद हो कि ये गाड़ी किसकी भाई, ये वो गाड़ी है जो अपन ने यूट्यूबर्स मीट में से निकाली थी, सौरव जोशी की इनोवा क्रेस्टा है भाई ये, सौरव जोशी की इनोवा क्रेस्टा। हाँ भाई बिल्कुल सही सुन रहे हो, जब फर्स्ट टाइम व्यूअर्स है भाई, सौरव जोशी की इनोवा क्रेस्टा भाई ये। भाई तुम देख सकते हो मैंने इसके अंदर परफॉर्मेंस टायर लगवा चुके हैं, और हाइड्रोलिक्स देखो भाई कितनी ज़्यादा लिफ्टअप कर देते हैं भाई गाड़ी को ये। तो जैसा तुम देख सकते हो अभी अपन अपने गैराज पे आ चुके हैं, एंड अब अंकल को बोलते हैं कि अंकल फटाफट सबको फ़ोन कर, ताकि भाई मतलब ये फटाफट सही हो जाए अपनी गाड़ी। तो मैं अंकल को बोलता हूँ और देखते हैं कि क्या होता है भाई, आज अंकल गाड़ी के अंदर ही बैठ बैठ के कर दे। और भाई तुम देख रहे हो कितना ऊँचे हो जाती है हाइट जब हाइड्रोलिक चालू होता है 6 फीट का फ्रैंकली। सो ओके गाइस, हमको अंकल ने फाइनली बोल चुका है कि भाई अब तू थोड़ा इंतज़ार कर, जो ये ट्रेलर वाले हैं अपने ट्रेलर लेके आएंगे और तेरी तीनों गाड़ियों को यहाँ से फटाफट ले जाएंगे, देन सही करवा के तेरे को घर तक छोड़ के जाएंगे। तो कोई नहीं गाइस, अभी हम थोड़ा वेट कर लेते हैं और देखते हैं कि कब तक वो लोग आते हैं।
सो ओके गाइस, पूरे के पूरे थोड़ी सी देर बाद ये लोग आ चुके हैं एंड तुम देख सकते हो यहाँ पे ये दोनों ड्राइवर्स आए हैं अपने अपने ट्रेलर लेके, जिसमें से मैंने इनोवा क्रिस्टल लोड भी करवा दिया और ये भाई सिविक अपना लोड ही कर रहा है। इनोवा वाले ने कि मैंने बताया कि भाई मैंने इसके अंदर कस्टम मोड्स करवा रखे हैं, वो बोला कोई नहीं सर करवा दिए ना, कोई दिक्कत नहीं है। एज कम्पेयर टू होंडा वाले बोल रहे हैं, बोला भाई कस्टम मोड्स क्यों करवाए, स्टॉक गाड़ी रखने में कुछ घिस रहा है तुम्हारा। देखो मैं तुमको दिखाता हूँ कि भाई ये है ना, मतलब इनोवा क्रेस्टा ने कैसे करवाई है। जो मैंने इनोवा क्रेस्टा के अंदर इसके हाइड्रोलिक सस्पेंशन लगवाए थे ना, वो देखो ऐसे लोडेड अप ही है, तो मतलब जैसे कहीं गड्ढे वड्ढे होंगे ना, तो मतलब इसका बम्पर वम्पर या फिर सस्पेंशन वस्पेंशन लगेगा नहीं, क्योंकि मुझे भरोसा नहीं है भाई ट्रेलर वाले क्या चलाते हैं। और भाई रुक जा, हाँ मानता हूँ तू भी गाड़ी लेके जा रहा है, आजा आजा तू भी फटाफट गाड़ी लोड कर और दोनों निकलो तुम यहाँ से पहली फुर्सत के अंदर, देन मैं तुम लोगों को बताता हूँ कि भाई क्या कैसे क्या सीन है। और भाई बस मैं एक बार इन दोनों को फ्री कर दूं, देन भाई ऑडी वाला भी आ ही जाए तो अच्छा ही होगा। लेकिन यार अगर ऑडी वाला ऐसे लेकर जाएगा तो मैं सोच रहा हूँ कहीं मेरा बम्पर ना ख़राब हो जाए मेरी ऑडी का। तो कोई नहीं गाइस, मैं एक बार इन दोनों को फ्री करके एंड ऑडी वाले से बात करके देन मैं तुमको आराम से बताता हूँ कि आगे का अपना क्या सीन है रिपेयरिंग का। सो ओके गाइस, जैसा कि तुम देख सकते हो यहाँ पे ऑडी भी अपनी यहाँ पे खुल चुकी है, इसका बोनट शोनट खुल चुका है एंड भाई इसकी पीछे हुड हुड भी खुल चुका है इसका, एंड भाई पूरी गाड़ी ये सामने तुम देख रहे हो ट्रेलर, इसके अंदर जाएगी अपनी गाड़ी, इस ये टो ट्रक होकर टो होकर नहीं जाएगी, ट्रेलर मतलब प्रॉपर ट्रेलर लेकर आया बंदा जो मेरे साथ में, देखो ये ड्राइवर इस ट्रेलर का। तो और भाई इसने पूरी अपनी गाड़ी इंस्पेक्ट कर ली है कि इसके अंदर क्या कस्टम मोड्स है, क्या कैसे है, क्या कुछ नहीं है, क्या कुछ करनी है। और उसके बाद तुम लोग एक चीज़ देखो, ये बंदे ने अभी भी मास्क लगा रखा है भाई, ऑडी वाले पैसे ले रहे हैं तो चीज़ ही देते भाई, इस बंदे ने मास्क लगा रखा है, लिटरल एक मास्क लगा रखा है इस बंदे ने भाई। मतलब यार ऑडी अगर पैसे ले रहा है तो सही है। तो इस बंदे को मैंने सब कुछ दिखा दिया कि भाई मैंने अपनी गाड़ी के अंदर ऑफ रोड टायर्स, हाइड्रोलिक्स, नाइट्रो, इंजन बूस्ट, ट्यूनिंग, सस्पेंशंस और साइलेंसर्स वाइलेंसर्स, लाइट्स वाइट्स, मैट वैट, सब जो भी करवा रखा है मैंने इस बंदे को सब दिखा दिया ए टू जेड। और इस बंदे ने अपनी बुक में नोटिस मतलब नोट कर लिया है। अब ये बंदा बोल रहा है कि भाई मैं आपकी गाड़ी लोड कर लेता हूँ और ले जाऊँ, लेकिन मैं तुमको उससे पहले एक चीज़ दिखाता हूँ भाई, जल्दी बाहर आ भाई, गैराज के अंदर बंद जा कर रोए भाई। तुम देखो ट्रेलर के अंदर आया, ऊपर देखो एक और ऑडी R8 ही भाई ऊपर मतलब लोडेड है डेक के अंदर, और तुम देख सकते हो उस गाड़ी के मतलब वही है, परफॉर्मेंस टायर्स ही लगे हुए हैं एंड भाई वो पर्पल रंग के अंदर ऑडी R8 है भाई, उसका बैक का इंजन भी तो बंद कर लेता, मुझे लग रहा है वो बैलास वालों की है। तो मैं एक बार ये गाड़ी बाहर निकाल दूँ, देन ये बंदा इस गाड़ी को लोड कर ले और देन मैं इसको भगा भगू के मिलता हूँ, क्योंकि भाई मुझे माइकल ने बुलाया था कल, तो फटाफट जाके सोते और माइकल से मिलने चलना भाई कल। सो ओके गाइस, फाइनली इस बंदे ने अपनी गाड़ी को, अपनी ऑडी R8 को इस ट्रक के अंदर लोड कर लिया है एंड भाई अब ये बंदा बोल रहा है कि तुम एक काम करो, मेरे को बता दो कि तुम्हारा कोई परमानेंट एड्रेस और तुम्हारे फ़ोन नंबर। मतलब भाई तूने अभी तो मेरे से गाड़ी के सारे इंस्पेक्शन करे, उसी फॉर्म में ले लेता ना, गाड़ी का इंस्पेक्शन फॉर्म अलग ले रहा है तू ड्राइविंग के लिए, मतलब यार मतलब करके क्या तू भाई। मेरा मन कर रहा है अभी इसको यहीं पर गोली मार के, जो ऊपर वाली ऑडी R8 है ना, इसको भी अपने पास रख लो, इसके ट्रक व्रक को ठिकाने विकाने लगा दूंगा, अपने पास दो ऑडी R8 हो जाएगी, अपनी वाली को रख लूँगा, उस वाली को बेच दूंगा, उस कंपनी में बोल दूंगा कि भाई वो बंदा आया नहीं, अंकल को भी झूठ बोल देंगे, ऑडी R8 को मैं लास्ट वेंचर्स पता नहीं कहीं जाकर बेच आऊँगा। और भाई मतलब है ना, अभी मैं एक बार उसको पूछता हूँ कि हाँ भाई जल्दी कर, जो करना है मेरे को सोना है और मेरे को जाना है भाई कल काम से, भाग यहाँ से। सॉरी भाई सॉरी, ले तू ले, क्या लेना तेरे को यार। सो ओके गाइस, फाइनली कल के 1:30 बज चुके हैं एंड तुम लोग जैसा कि देख सकते हो बहुत टाइम बाद यहाँ पर मैं उठ के वापस तैयार होके जाने के लिए तैयार हूँ माइकल के पास एंड ये लोड राइडर ले लेता हूँ मैं, साले भग यहाँ से, मेरे से अटकेगा, थग हमारे सामने बने, इधर आइयो, रुक चल, माफ़ किया साले, अभी पिटपिटा जाएगा। अरे भाई हट जाओ, हटा लो भाई तुम अपनी गाड़ियाँ वाड़ियाँ यहाँ पे, चलाने नहीं दे रहे गाड़ी भाई तुम, बिल्कुल एकदम है ना ओपी स्टाइल में चला लेने दो भाई मेरे को गाड़ी। और भाई जैसा कि तुम देख सकते हो अभी यहाँ पर हम निकल चुके हैं माइकल के घर के लिए, तो मैं फटाफट वहाँ पे पहुँच जाता हूँ। अरे भाई 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 भाई, भाई क्या चला रहे हो यार तुम। सो ओके जैसे हम देख सकते हो हम फाइनली बीच पे पहुँच चुके हैं एंड रास्ते में वो जो गाड़ी थी वो ख़राब हो गई एंड जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो मैंने वापस दूसरी गाड़ी ली है एंड अब मैं अपनी गाड़ी को यहाँ पे लगा देता हूँ एंड एक बार देखो माइकल के गराज में कौन कौन सी गाड़ी है। माइकल हमसे चुपके चुपके कोई सुपर कार तो नहीं ले आया जो माइकल ने हमको उसको कुछ खास दिखाने को बोला है,
नहीं यार, ये तो वही है ट्रेसी की कोई फर्जी सी कार, और ये भाई अमांडा की कार, और भाई माइकल की ये डब्बी सी कार। कोई नहीं गाइस, अभी मैं एक बार थोड़ी देर के लिए यहाँ पे रुक जाता हूँ एंड देन माइकल को पूछता हूँ। अरे भाई क्या ये मर्सिडीज है भाई? ओ भाई इस बीच पे मर्सिडीज कौन खड़ी कर गया यार? अब तो मुझे ये चुरानी पड़ेगी। और एक बार ये लॉक टूट गया, लॉक टूट गया आई गेस, ये लॉक टूट गया। यहाँ से गैस सीम तो निकल तो रही है। ओके चलो गई भाई, गाइस गाइस गाड़ी चालू हो गई। और भाई ठीक है यार, नॉर्मल है भाई, स्पीड नहीं है गाड़ी के अंदर। यहाँ तो उसके ट्यूनिंग खराब हो रखी गाड़ी की, या फिर कोई खराब गाड़ी खड़ी करके गया है, अब पता नहीं क्या कैसे है। और भाई ये पीछे के भाई स्पॉइलर वाला चीट कोड लग रहा है भाई इस गाड़ी के अंदर। कोई नहीं कहते, मैं यहाँ पे गाड़ी खड़ी करता हूँ, माइकल के पास अंदर जाके मिलता हूँ और माइकल से पूछता हूँ कि भाई क्या बात हो गई जो तूने मेरे को यहाँ पे इतनी जल्दी बुलाया, और मतलब मेरी नींद खराब कर दी भाई तूने। मैं पूछ के तुमको बताता हूँ यार। सो ओके गाइस, माइकल से मेरी यहाँ पे डिस्कशन हो चुकी है, हमने ऑलमोस्ट 3-4 घंटे प्लानिंग करी। हाँ गाइस तुम सही सुन रहे हो, हमने प्लानिंग करी एक बहुत ज़्यादा खतरनाक हाइस्ट की। तो बेसिकली हमारा प्लान क्या, अरे माइकल माइकल भाई तुम कहाँ गए माइकल? अरे यार मैं एक काम करता हूँ, माइकल को बुलाऊंगा। और भाई यहाँ पे इतनी सारी गाड़ियाँ खड़ी थी, वो सारी गाड़ियाँ भी गायब हो गई। मैं एक काम करता हूँ, सबसे पहले तो एक गाड़ी लेके आता हूँ, माइकल को उठाता हूँ, एंड देन मैं तुमको चलते चलते रास्ते में सारा प्लान क्या करना है कैसे करना है सब समझाता हूँ और भाई करके दिखाता हूँ। सो ओके गाइस, मैं यहाँ पे एक गाड़ी ले आया हूँ। और भाई माइकल आ जा, बैठ जा, लोगों को बताना भी क्या करना है। सो अब चलो अपन चलते हैं। तो बेसिकली गाइस अपन को करना क्या, और भाई गाड़ी बढ़िया है ये, अपन को बेसिकली गाइस करना क्या है, अपन को फेस चेंज करने यहाँ से जाना है एक सी पोर्ट पे, या फिर कहीं पे जहाँ पे हम लोगों को करनी है 5 से 6 SUVs ट्रेड इन। वो 5 से 6 SUV कहाँ से आएगी वो मैं तुमको बताता हूँ, लेकिन उस SUVs को ट्रेड इन करके वहाँ से अपन को लेनी है वो कुछ नई 5 से 6 SUV जो कि हम ट्रेड इन करने के बाद लेंगे। एंड देन उसके बाद हमको उन गाड़ियों को बेचना है एक माफिया को, और वो जो माफिया हमको पैसे देगा उसमें से 40% जो पैसा होगा वो माइकल हमको देगा और 60% वो रखेगा। अब बात आती है ट्रेड इन होने से पहले, मतलब जिन SUVs को हम देंगे उनके बदले में जो हम नई SUVs लेंगे उस डीलर से, उस माफिया को देने के लिए, वो 5 से 6 SUV कहाँ से आएगी? तो अभी एक मोटर कॉर्प शो होने वाला है सैन फेयरस, या फिर पता नहीं कौन से किसी सिटी के अंदर, जहाँ पे माइकल और मैं जा रहे हैं। और मतलब माइकल मेरे को अभी एक गैंग देगा, मतलब एक टीम देगा जिसके साथ मैं वो गाड़ियाँ चुराऊंगा और वो लाकर फिर ट्रेड इन करके उस माफिया को हमें डिलीवर करनी है। तो जैसे कि तुम देख सकते हो, तुम्हें लॉन्ग स्टोरी मैंने शॉर्ट में समझा दी हमको क्या करना है कैसे करना है, वो तुम इस वीडियो में देखते रहना। अगर तुम लोगों को ये वीडियो पसंद आ रही हो तो तुम लाइक कर दो और शेयर कर दो अभी के अभी अपने दोस्तों के साथ, और चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लो। अब हमको यहाँ से रुकना है एंड वेट करना है फॉर दैट टीम, जो टीम मेरे साथ जाएगी और उन 5-6 SUVs को मोटर कॉप शो में से मेरे साथ चुराने में हेल्प करेगी। तो अभी मैं थोड़ा बहुत वेट कर लेता हूँ, माइकल से पूछ पाछता हूँ कि भाई क्या कैसे कौन सी गाड़ियाँ है एक बार बता दे, तो भाई गाड़ियों पर चल जाए लग जाए, क्योंकि वो जो मोटर कॉप शो है वो सारी लग्जरी SUVs का है, एंड लग्जरी SUVs के अंदर भाई बहुत महंगी महंगी SUVs आती है। नहीं भाई, यहाँ पे SUVs रेंज 40-50 लाख वाली नहीं है, यहाँ पे SUV रेंज चालू ही 2-3 करोड़ से होती है। तो तुम सोच लो कि भाई कितनी मज़ेदार मज़ेदार SUVs आएगी यहाँ पर, एंड हम लोग उनको चुराएंगे उन लोगों का, उन गाड़ियों का। अगर तुमको पर्सनल पर्सनल रिव्यू चाहिए, जैसे हमने यूट्यूबर्स कार्स हाइस्ट वाली वीडियो तुमको यहाँ पे कहीं पे आसपास दिख भी रही होगी जैसा हमने यहाँ पे करा था, तो वो तुमको मतलब है ना लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में भी मिल जाएगा, तो तुम देख सकते हो। अगर तुमको वैसा पर्सनल रिव्यू चाहिए तो तुम मेरे को बता देना। और चलो गाइस हाइस्ट को स्टार्ट करते हैं, मज़ा आएगा भाई, तुम जरा आराम से बैठो। सो ओके गाइस, जैसे हम देख सकते हो हमारी टीम आ चुकी है, एंड भाई ये गाड़ी हम लेके जा रहे हैं। यहाँ से सबसे पहले हमको जाना है एक माउंटेन के ऊपर, जहाँ पे हमको ट्रैवल आकर देगा एक स्पेशल हेलीकॉप्टर जो कि होगा अनट्रेसेबल। उससे हम वहाँ पे मोटर कॉप शो पे आसपास घुसेंगे, एंड देन वहाँ पे आगे चलकर मैं तुमको दिखाता हूँ कि क्या बवाल करना है। और ये मेरे साथ 3 जने बैठ चुके हैं, ये स्पेशल
PI ट्रेंड कमांडोज है जो कि हमारे साथ हमारे इस गलत काम में हमारा साथ देंगे। तो अभी मैं एक बार को मार्क कर लेता हूँ वो माउंटेन जहाँ पे हमको जाना है, लेकिन उससे पहले मैं तुमको जगह बता दूँ। तो वो जगह तुम देख सकते हो इस सिटी के अंदर यहीं पे कहीं आसपास है। तो अभी फ़िलहाल तो मेरे को यहाँ से जाना है एक माउंटेन के ऊपर, एंड देन उस माउंटेन से हमको ट्रैवलर जो हेलीकॉप्टर देगा उस हेलीकॉप्टर के अंदर बैठ के वहाँ से शू सटाक भाग जाना है इस लोकेशन के लिए। तो चलो गाइस कोई नहीं, अभी हम चलते हैं इस सामने वाले माउंटेन पे। और भाई तुम ये गाड़ी देख सकते हो, गाड़ी कितनी सही है। यहाँ पे इन तीनों लोगों ने एक जैसे कॉस्ट्यूम लिए बिकॉज ये तीनों एक एजेंसी के हैं। काम होने के बाद इनको भी टपका दिया जाएगा, उस बात की फिक्र तुम ना करो। लेकिन अभी फ़िलहाल इनका हमको काम है, तो इनसे हमको बहुत ज़्यादा काम है, इनसे हमको बहुत ज़्यादा आस है। तो इनको लेके चलते हैं इस माउंटेन के ऊपर और फटाफट चढ़ जाते हैं इस माउंटेन के ऊपर। देखो यार, मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे लगता है कि वो जो गाड़ियाँ होगी ना 6-7 SUVs, 5-6 SUVs जो भी माइकल बता रहे हैं कि तुमको तुझको चोरी करनी है और फिर हम उस गाड़ियों को ट्रेड इन करके दूसरी गाड़ियाँ लेंगे और फिर उसको माफिया को बेचेंगे एंड वो बहुत ज़्यादा प्राइस देगा नॉर्मल SUVs से। तो मुझे लगता है कि भाई इस काम के अंदर थोड़ा बहुत खतरा है या कुछ कैसे है, तो मुझे डर भी लग रहा है, लेकिन मुझे एट द सेम टाइम मज़ा भी आ रहा है कि भाई मतलब एकदम ऐसे है ना, मज़ा भी आएगा कि भाई मतलब समझ रहे हो यार, मिक्स रिएक्शन है मेरा। मैं कुछ ऐसे एकदम से कह नहीं सकता कि हाँ मज़ा आएगा कि क्या आएगा, मगर हाँ गाइस इट इज़ गोइंग टू बी वेरी मच फन। तो भाई एंड तक रहना इस वीडियो में एंड इन्जॉय करो भाई, तुम्हें गदर मज़ा आने वाला भाई इसके अंदर। और भाई तुम जैसे देख सकते हो मैं बहुत आसानी से इस SUV को लेके जा रहा हूँ, मतलब इस माउंटेन के ऊपर बहुत आसानी चला रहा हूँ भाई मैं इस SUV को। तुम देख ही सकते हो भाई क्या मस्त चल रही है भाई ये गाड़ी। ओ भाई 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 मेरी इनोवा क्रेस्टा से अच्छी तो भाई ये सस्ती, यहाँ पर सस्ती SUV चल रही है। भाई इसकी ब्रेकिंग भी मेरी इनोवा क्रेस्टा से बढ़िया है। और गाइस जैसे तुम देख सकते हो मैं फटाफट पहुंच चुका हूँ यहाँ पे अपने इन हाउस पे। यहाँ से हमको और एक बार ट्रैवलर को कंफर्मेशन भेजना है कि हम माउंटेन पे आ चुके हैं और भाई तू हेलीकॉप्टर लेके आ जा जल्दी से। तो एक बार मैं यहाँ पे उतरता हूँ और ट्रैवलर से बातचीत कर करा के हम भी फटाफट निकलते हैं यहाँ से। इन लोगों के पास भाई तुम लोगों के पास पिस्टल है, पिस्टल से मारोगे सालों, कम से कम एक UZI लेकर आते हैं या फिर AK-47 AN-91 या फिर कुछ भी ऐसी भाई कोई ऑटोनोमस गन तो लेकर आते भाई। भाई लिटरली ये बंदे पिस्टल लेके आए हैं पुलिस वालों से लड़ने के लिए भाई। यार भाई तुम यार ये कहीं मरवाएं नहीं, मेरे को एक बार ट्रैवलर को बोलना पड़ेगा ट्रैवल यार कुछ आर्म्स भी लेकर आए, इन बंदों के पास कुछ है ही नहीं करने के लिए और भाई मेरे को गिरा के भाग गए। तो चलो मैं एक बार यहाँ पे बैठता हूँ और मैं ट्रैवलर को सिग्नल तो नहीं दे पाया, लेकिन चलो मैं एक बार निकलता हूँ यहाँ से, मैं ट्रैवलर को फ़ोन करता हूँ। लेकिन अब मेरे को माउंटेन क्लाइंब करना है। हाँ भाई आ जा बैठ जा बैठ जा बैठ जा। तो अरे भाई आराम से यार आराम से, फ्रैंकलिन कैसे भाई तेज गाड़ी भगा रहा है तू। तो एक बार फ़ोन कर लूँ उसको और थोड़ा काम कुम सलटा दूँ, उसके बाद मैं तुम लोगों को आराम से मिलता हूँ गाइस। भाई वैसे ये वादियाँ बहुत अच्छी है एंड क्या मैं जस्ट अभी क्लाउड्स से ऊपर जाने वाला हूँ भाई, मुझे क्लाउड्स का एग्जिट दिख रहा सामने एंड हमने भाई क्लाउड्स एग्जिट कर दिया भाई, क्लाउड्स एग्जिट कर दिया हमने जस्ट अभी आसमान में बादलों से ऊपर आ चुके हैं हम भाई। What I mean? अरे डोंट बी स्केयर्ड ब्रो, तुम जस्ट 16 टाइम्स के अंदर देख रहे हो वो माउंटेन वाला सीन जो मैं धीरे धीरे आया हूँ, ठीक है भाई? तो ज़्यादा स्केयर्ड ऑफ मत हो, मैं ऐसे मतलब नॉर्मली खेल रहा हूँ यहाँ पे। और जैसे तुम देख सकते हो मैं फाइनली यहाँ पे पहुँच चुका हूँ एंड अब बस हमको ट्रैवलर का वेट है कि भाई मतलब ट्रैवलर आए और हमको हेलीकॉप्टर मिले एंड देन फिर हम लोग लीव कर दे उस लोकेशन के लिए जहाँ पे हमको जाना है। इस SUV का साथ बस यहीं तक था, अभी ये SUV वापस यहाँ से ट्रैवल लेके जाएगा हमको, बस ट्रैवल मतलब थोड़ा वेट करना है ट्रैवलर का। एंड भाई तुम देख सकते हो कितना ऊपर माउंटेन पर आ गए हम, ट्रैवलर आ जा भाई। सो ओके गाइस यहाँ पे तुम देख सकते हो ट्रैवलर आ चुके, ट्रैवलर थोड़ी देर में रुक कर यहाँ से जा रहे हैं। और भाई ये रहा वो नॉन ट्रेसेबल हेलीकॉप्टर जो कि ट्रैवलर हमारे लिए लेकर आया है। आ जाओ भाई आ जाओ चंटर पंटर आ जाओ, बैठ जाओ फटाफट, ठीक है? चंटर नंबर एक बैठ गया, चंटर नंबर दो और तीन तुम भी बैठो फटाफट। अरे भाई बैठो जल्दी दूर से जाओ। ओके चंटर नंबर 3 बैठ गया एंड चंटर नंबर 1 भी बैठ गया।
ओके गाइस फाइनली अपन चलते हैं उस लोकेशन पे एंड देखते हैं वहाँ जाकर। अरे भाई लोकेशन तो एग्जैक्ट मार्क कर लूँ, ट्रैवल ने बता दिया अब तो मेरे को। चल भाई कोई नहीं, फिलहाल उस शहर तक पहुँच तो सही, तब जाकर तो मैं वहाँ पे फाइनल लोकेशन पे पहुँचूँगा। पहले उस शहर में तो पहुँचूँ भाई मैं। तो भाई ये जर्नी होने वाली है बहुत ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग, तुमको आएगा बहुत ज़्यादा फन। अगर अभी तक तुम लोगों ने नहीं करा है इस वीडियो को लाइक तो डू लाइक दिस वीडियो, श्योरली गाइज यू आर गोना इन्जॉय इट वेरी मच। तो भाई फटाफट लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड डू कमेंट डाउन कि कौन कौन सी SUVs तुमको लगता है कि हम लोग वहाँ पे देखेंगे। सो ओके गाइस, जैसे हम देख सकते हो मैं अभी उसी ग्राउंड के ऊपर हूँ जहाँ पे वो SUV शो होने वाला है। मैं यहाँ पे बहुत मुश्किल से पहुँचा हूँ लेकिन पहुँच गया भाई बहुत धीरे धीरे स्पीड में। अब मेरे को यहाँ पे वो ये री बिल्डिंग भाई, इस बिल्डिंग पे लैंड करना है। इस बिल्डिंग पे आएगा एक और हेलीकॉप्टर जो कि एक ट्रक लेकर आएगा हमारे लिए, जिसके अंदर हम ऐसा लगेंगे कि हम सिक्योरिटी वाले ही बंदे हैं। मतलब उस ट्रक के अंदर तक दिखेगा नहीं लेकिन ऐसा लगेगा कि हम सिक्योरिटी वाले बंदे हैं और हम लोग यहाँ पे गाड़ियों की सिक्योरिटी के लिए आए हैं, लेकिन असलियत तो सो ओके गाइस फाइनली तुम देख सकते हो भाई ये इतना बड़ा हेलीकॉप्टर, इसको मैवरिक हेलीकॉप्टर कहते हैं, जो कि वेट और लोड कर सकता है। और भाई ये है वो सिक्योर ट्रक या फिर सिक्योर वैन जो कि ये हेलीकॉप्टर लेके आया है। एंड ये दो बंदे पीछे बैठ गए और भाई ये बंदा मेरे साथ बैठ रहा है यहाँ पर। इस गाड़ी के अंदर हम थोड़ी बहुत देर छुपेंगे कहीं पे एंड देन जब यहाँ पे गाड़ी या शोकेसिंग के लग जाएगी 8-10 बजे करीब, देन हम फटाफट आएंगे उन गाड़ी में बैठेंगे और यहाँ से रफू चक्कर हो जाएंगे पुलिस और सारे दर्शकों के सामने से चौंका देकर। मतलब हमको करना क्या है ना, मतलब 6 गाड़ियाँ एग्जैक्ट मेरे को गाड़ी नहीं पता लेकिन नंबर पता है 6 गाड़ियाँ है, उन 6 में से हमको एक गाड़ी लेके यहाँ से भागना है ठीक है। एंड देन जो बाकी की 5 गाड़ियाँ है जब वो लोग हमसे ध्यान हटा देंगे देन और 5 बंदे आएंगे एंड उन 5 गाड़ियों को लेकर यहाँ से भाग जाएंगे। वो पुलिस जितनी भी होगी पूरे शहर की पुलिस हमारे ऊपर लगी होगी क्योंकि यहाँ पर कोई मतलब काम नहीं करेगा और मतलब सारे उस गाड़ी को बचाने के चक्कर में रहेंगे क्योंकि ऑब्वियस वो गाड़ी भी महंगी होगी एंड पूरे शहर की इज्जत होगी क्योंकि शहर का मोटर कॉप शो है। तो इसलिए अब तुम समझ रहे हो ना भाई, मैं तुमको अब एग्जैक्ट लोकेशन बता दूँ, एग्जैक्ट लोकेशन ये है। तो मैं जस्ट यहाँ पर, इसने बताया था कि एक यार्ड है तो मैं अब इस यार्ड के अंदर छुप जाता हूँ। यहाँ पर तुम देख सकते हो थोड़ा सा एंट्रेंस है। अरे भाई थोड़ा सा प्यार से टर्न ले ले एंड तुम जैसे कि देख सकते हो अभी बज रहे हैं 5:00 एंड अब हमको थोड़ी देर तो वेट करना पड़ेगा और वेट करते करते देखते हैं क्या कैसे क्या नया प्लान हो या क्या कैसे हो। एंड सुबह होते ही भाई वी आर गोइंग टू डू दैट अल्टीमेट हाइस्ट जो कि भाई किसी ने सोची ना होगी। एंड भाई हाइस्ट ऐसी कर दूंगा कि पुलिस वालों के पकड़ में नहीं आऊँगा। हाँ भाई तुम ऐसे हल्के में ले रहे हो, कहीं मज़ा आएगा भाई, तुम देखते रहो इस वीडियो को। भाई मुझे जहाँ तक लग रहा है ना यार, इसमें लैम्बोर्गिनी की उरस तो ज़रूर होगी। बाकी तुम लोगों ने अगर अभी तक नहीं बताया तो कमेंट करके बताओ तुम्हें क्या लगता है कौन कौन सी गाड़ी होगी, वरना एक काम करो देख ही लो। सो ओके गाइस, यहाँ पे पूरे के पूरे नेक्स्ट डे हो चुका है एंड भाई मुझे जहाँ तक लगता है अब कल, क्योंकि शोकेसिंग 10 बजे तो अभी तक गाड़ियाँ आ चुकी होगी। एंड अरे भाई रुक जा एक सेकेंड, रुक जा भाई, ये बंदा साला अभी से गोले चलाना चालू कर दिया। भाई मैं काम करता हूँ अपनी गाड़ी को है ना, अभी यहाँ लगा देता हूँ अपनी गाड़ी को। अरे भाई मान जा, रुक जा यार। भाई ये बंदे के पास AK-47 भी थी यार, मुझे पता ही नहीं था भाई, मैं सोचा था पिस्टल लेके आया यार ये। भाई ये तो अलग ही AK-47 चला रही है भाई। ओ भाई थोड़ा कंट्रोल भाई, कंट्रोल ऐसे भाई, एकदम से तुम भावुक ना हो, पुलिस वाले दिखे तो ज़्यादा अचाबुक ना हो, अभी पुलिस वाले को ज़्यादा चढ़ गई ना, सिक्योर वेयर के साथ ही अंदर कर देगा भाई। ओके गाइस, तो तुम देख सकते हो सामने गाड़ी आ चुकी है एंड भाई मुझे दूर से एक नहीं पूरी दो BMW दिख रही है एंड भाई मुझे वहाँ पे एक पेंटले भी दिख रही है, एक भाई AMG वैगन दिख रही है एंड भाई लैम्बोर्गिनी दिख रही है। मुझे बस एक वो दूर वाली ऑरेंज कलर की गाड़ी समझ नहीं आ रही भाई। चलो मैं तुमको फटाफट वहाँ पहुँच के दिखाता हूँ भाई, हमें सबसे आगे वाली बेंटले आगे में बैठना है एंड उसमें से फटाफट यहाँ से मतलब उस गाड़ी को लेके एस्केप होना है। चलो भाई इट्स टाइम टू रॉक एंड रोल, ऑक्शन 12 बजे चालू है, हमें फटाफट अगले 10 मिनट में गाड़ी लेके
यहाँ से भागना है भाई। और भाई कंट्रोल, भाई कंट्रोल लो गाड़ियों के ऊपर भाई। यहाँ से हमको एक गाड़ी निकालनी है जो कि बेंटले की, ये बेंटे आगा। और भाई इसका कलर जो कितना प्यारा है वो, भाई क्या मस्त लग रही है भाई। जल्दी आओ पागलो। एंड भाई ये तुम देख सकते हो भाई, BMW की X7 है पीछे, वहाँ पे है X6M भाई, AMG वैगन भी है वहाँ पर। और भाई ये लैम्बोर्गिनी यूरस, और भाई ऑडी R8 है भाई, ऑडी Q8 है भाई, RS Q8 भाई। इसने गोली चला दी है। एंड भाई मुझे अलर्ट सुनाई दे रहा है भाई, जल्दी बैठो। अबे जल्दी बैठो यार तुम भाई, मुझे अलर्ट सुनाई दे गया भाई, जल्दी बैठो यार, जल्दी बैठो, जल्दी बैठो, सीरियस हो चुका भाई ये। भाई मुझे अलर्ट सुनाई दे रहा है यहाँ पे, मुझे साफ साफ अलर्ट सुनाई दे रहा है भाई। भाई ओ 6-star पुलिस, अरे भाई हेल, भाई हेल, ओ भाई, अरे यार उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा तेज है। अरे भाई यार मुझसे कंट्रोल ही नहीं हो रही गाड़ी। ओ भाई टैंक पे आ गए, टैंक आ गए, टैंक आ गए, टैंक आ गए, टैंक आ गए। गोली मत चलाना, गोली मत चलाना, गोली मत चलाना। अरे भाई 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 भाई, ओ भाई 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 भाई, अबे हटाना भाई, ओ भाई, अरे हाईवे, हाईवे यही है, हाईवे यही, ओ भाई। अरे यार ये टैंक वाले ज़्यादा ही वाइल्ड हो रहे हैं भाई, अरे मैं इतना वाइल्ड नहीं हूँ ब्रो। ओ भाई 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 भाई, भाई। भाई बहुत गलत सीन है, बहुत गलत सीन है, बहुत गलत सीन है। बस हाईवे मिल गया, हाईवे मिल गया, हाईवे मिल गया। ओ भाई 150, ओ भाई 200, ओ भाई 250 नहीं, ओ भाई बहुत तेज है भाई ये गाड़ी। अरे भाई 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 150 तो यूं टच कर रही है। अरे भाई 200, अरे भाई बहुत तेज है भाई ये 250 भाई, अरे भाई 250 गाड़ी 250 की स्पीड में भाग रही है भाई ये गाड़ी, बहुत तेज है। ओ भाई 300 नहीं, 300 नहीं, 300 नहीं, भिड़ना मत, भिड़ना मत। अरे यार मैं भाई इस गाड़ी को फोड़ ना दूं मैं भाई। ओके भाई ओके, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल भाई। वो बाकी की 5 गाड़ियाँ भी वहाँ से एस्केप हो चुकी है भाई, तुम्हें सुनाई दे रहा हूँ अगर रेडार, तो 5 गाड़ियाँ एस्केप हो चुकी है भाई वहाँ से। वो 5 गाड़ी ऑडी RS Q8, BMW X7, BMW X6M, मर्सिडीज AMG वैगन मेंसरी एडिशन और लैम्बोर्गिनी यूरस 3.4। ओके गाइज, अब बस ये बेंटली बेंटे आगा हमको यहाँ से सेव करके लेकर जानी है। एंड ये सारी गाड़ियाँ डायरेक्ट डॉक पे जा रही है, तो हो सकता है मेरे को भी इसको डॉक पे ले जाना हो, लेकिन अभी थोड़ा यहाँ पे पुलिस को और थोड़ा मतलब ऐसे गुमनाम करना है, ताकि वो गाड़ियाँ जो है वो फटाफट अंदर ही अंदर सिटी से सिटी, फिर हाईवे या फिर ऑफ रोड से वो गाड़ियाँ फटाफट निकल जाए। तो अभी इस पुलिस को थोड़ा सा हम भटकाते हैं या फिर कह लो घुमा कर आते हैं, एंड देन इन पुलिस वालों से पीछा छुटवाते हैं। और भाई 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 भाई, भाई इधर आओ, इधर आओ, हाँ आओ ऑफ रोड पे आओ, आओ 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 आओ। अरे भाई भाई, अरे भाई भाई भाई, ओ भाई ये गाड़ी बहुत ज़्यादा वाइल्ड, ओ भाई ये गाड़ी बहुत ज़्यादा वाइल्ड है। पलटना मत, पलटना मत, पलटना मत। ओ भाई ऑल्टरनेट असिस्टेंस लगा हुआ है गाड़ी के अंदर। ओ भाई 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 भाई, क्या चला रहा हूँ मैं। ओके भाई ये गाड़ी है तो एक नंबर, एक नंबर बढ़िया चल रही है भाई गाड़ी। भाई तुम स्पीड देखो भाई, 150-200 तो ऐसे बच्चों की बात है इसके लिए। भाई 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 भाई, स्टीयरिंग बहुत अच्छा है इसका भाई, स्टीयरिंग बहुत अच्छी है, स्टीयरिंग बहुत अच्छी है। और भाई भाई भाई, ओ हो भाई इसकी ड्रिफ्ट बहुत अच्छी है, ड्रैग बहुत अच्छा गाड़ी का। और भाई जंप लग गई भाई, मस्त मस्त मस्त। ओ भाई क्या मस्त गाड़ी है भाई ये। ओके गाइस, तो मुझे अभी जस्ट एक नई बात पता चली है कि ये जो बेंटले बेंटे आगा है, ये कोई नॉर्मल बेंटले बेंटे आगा नहीं है भाई, ये कस्टम बेंटले बेंटे आगा है जिसके अंदर स्टार टैग की बॉडी किट लगी हुई है भाई। स्टार टैग की बॉडी किट वाला तुम समझ रहे हो भाई, उसने उस गाड़ी की कीमत और बढ़ा दी है भाई। स्टार टैग की बॉडी किट भाई बहुत ज़्यादा महंगी होती है। एंड भाई ये गाड़ी शोकेस के अंदर आई थी, एंड ये जो गाड़ी का कलर है भाई, ये भी बहुत ज़्यादा प्रीमियम कलर है। और भाई इस गाड़ी की तुम हैंडलिंग देखो भाई, ऐसे टेरेंस पे भी मैं जब इसको रोटेट करके चला रहा हूँ भाई, रोटेट होने के बाद भी इस गाड़ी की ऑफ रोड कैपेबिलिटी बिल्कुल कमी नहीं हो रही, जबकि ये एक क्रूजिंग SUV। और भाई इसकी ड्रिफ्ट एंड ड्रैग देखो भाई, कितनी ओपी गाड़ी है भाई ये गाड़ी। मैं कह सकता हूँ क्या, प्लीज़ भाई नहीं खरीदने में बहुत ज़्यादा पैसे लग जाएंगे इस गाड़ी को, मेरे को दिला दे माइकल जैसे सौरभ जोशी के सस्ती इनोवा क्रेस्टा दिलाई थी। वैसे भाई ये थोड़ी सी महंगी है उस कंपेयर टू दैट इनोवा क्रेस्टा, बट भाई गाड़ी ये भी बहुत बढ़िया है सौरभ जोशी की इनोवा क्रेस्टा जैसे। भाई प्लीज़ यार ये भाई ये दिला दे भाई ये माइकल, प्लीज़ यार ये गाड़ी दिला दे। अगर तू देख रहा है वीडियो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर देना, और अगर पसंद आ रहा हो तो भाई कमेंट भी कर दियो कि भाई तू ये गाड़ी दिला रहा है कि नहीं दिला रहा। और भाई फुल ऑफ रोड लेते हुए हम इस गाड़ी के साथ यहाँ से एस्केप करने की पूरी पूरी निरंतर कोशिश करते हुए। एंड भाई वो रहा वाटर क्रॉसिंग, वही वाटर क्रॉसिंग। एंड भाई भाई क्रॉस हो जाएगी, क्रॉस हो जाएगी, क्रॉस हो जाएगी, थोड़ा सा
हाँ भाई 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 हाँ आ जाओ आ जाओ आ जाओ भाई, पानी के अंदर भी इसके टायर गलती से ड्रैग मारे होंगे भाई। भाई फुल ऑफ रोड कैपेबिलिटी के साथ वही गाड़ी, ओ भाई भाई क्या लग रही है बीस्ट भाई, सामने चलती है भाई, तारीफ करते करते रुका नहीं जा। हाँ भाई जाओ 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 नीचे जाओ नीचे जाओ, अरे चल भाई क्या टप्पी दी है भाई मैंने उसको, आ जा भाई आ जा आ जा आ जा, आ जा। और भाई अरे इसके अंदर शील्ड भी है भाई, फ्रंट शील्ड भी है इसके अंदर, ओ भाई भाई ये गाड़ी नहीं ये है तो भाई, ओ भाई 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 इधर से राइट नहीं लेफ्ट लेफ्ट लेफ्ट, हाँ सीधे सीधे सीधे, अरे भाई मुझे कुछ दिख ही नहीं रहा भाई, बहुत ज़्यादा धूल है। अरे यार ये बंदे कहाँ से आते कहाँ से जा रहे हैं यार, इनके रेंटर पे रेंटर लाए जा रहे हैं भाई ये, धीरे 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 धीरे, हाँ भाई थोड़ी टर्न थोड़ी टर्न थोड़ी टर्न, वो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, राइट 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 राइट, स्किड 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 स्किड, अरे रे 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 भाई 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 भाई, ओ हो 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 क्या ही इसके ऊपर चढ़ जाएगी गाइस। अगर ये गाड़ी ऑफ रोड में बिल्कुल एकदम 10/10 देगी तो तुम लोगों को भाई मतलब एक लाइक तो बनता है यार ब्रो, मतलब एक लाइक तो बनता है यार भाई, तो चढ़ जाएगी। ओ भाई 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 भाई, ओ भाई 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 भाई, यहाँ से लेफ्ट मार लेफ्ट मार लेफ्ट मार, रुक जा रुक जा रुक, एक सेकंड रुक और प्यार से, अरे रे रे पेड़ों में मत भिड़े यार, इतनी अच्छी गाड़ी इतनी अच्छी हैंडलिंग की तारीफ कर रहा हूँ मैं। हाँ भाई अब हाईवे आ गया शील्ड के साथ, आओ भाई कौन आ रहा है, आओ जरा आओ, अब चलने दो भाई 150, 200, 300, 350 भागती है भाई गाड़ी। अगर ये गाड़ी भाई 210 miles per hour गई तब तो भाई तुम लोगों को भाई कमेंट करना पड़ेगा, ओपी इन द चैट प्लीज़, ओपी इन द चैट कर देना भाई, अगर ये गाड़ी 210 जाती है एनी हाउ भाई, अगर अपनी ऑडी R8 भी जाती है तो भी तुमको करना पड़ेगा, मतलब कोई भी गाड़ी अगर इस वीडियो के अंदर 210 माइल्स पर आवर जाती है तो तुम लोगों को भाई कमेंट करना बनता है भाई, वरना भाई ये कोई डील नहीं होती। एक बार मैं मैप में लोकेशन मार्क कर लूँ कि मेरे को एग्जैक्टली जाना किधर है, एंड बाकी गाड़ियों को भी देखना है भाई, बाकी गाड़ियाँ वहाँ पे पहुँची या फिर माइकल भाई क्या करवा रहा है, तो सारी चीज़ देखनी पड़ती है भाई। अगर आप एक हाइस्ट कर रहे हो, अगर आपको हाइस्ट करने के ट्यूशन चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरी मेल आईडी है, उस पर मेल करके मेरे को पूछ सकते हो कि क्या कैसे करना है। बाकी तुम वैसे कमेंट से भी पूछ सकते हो कि भाई PT देते हो क्या, मतलब पर्सनल ट्रेनिंग देते हो क्या हाइस्ट करने की। और भाई भाई जान कलेजे से बाहर आके बस निकल ही गई थी मुंह से भाई। भाई अब ड्राइविंग पे फोकस करेंगे अपन, मोमेंट्री कम ड्राइविंग फोकस ज़्यादा, एंड इट्स द टाइम टू किल दीज लॉल्स। हाँ भाई आ जाओ एक बार, हाँ एक बार आ जाओ सारे आ जाओ, हाँ मारो इनको मारो ज़रा मारो भाई इनको, अरे मारना इनको भाई, देर से नहीं मारे जा रही है, ओए गाड़ी को हाथ नहीं लगाएगा, इनको भी छल नहीं कर दूं जरा। हाँ भाई हाँ भाई हाँ भाई हाँ भाई हाँ भाई हाँ भाई, नॉइस 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 भाई, चिंता ना करो अपनी गाड़ी बुलेट प्रूफ है, अपनी गाड़ी फायर प्रूफ है, सब प्रूफ है भाई। ये तीन बंदे मर गए ना, एक की लाश दिख रही है, दो की लाश दिख रही है, तीसरे की लाश नहीं दिख रही भाई मेरे को, भाई तीसरा वाला बंदा कहाँ गया यार। ओके गाइस तीनों मर गए, हाँ एक बार तू भी आ जा, आ जा आ जा आ जा, हो गया हैप्पी बर्थडे। ओके एक हेलीकॉप्टर गया, ये गया ठीक है, हाँ आप भी एक बार दिख जाते हल्का सा। ओके गाइस ये भी गया, बजाइया हेलीकॉप्टर भी मार दिया, अपनी लोकेशन लॉस्ट हो चुकी है इनके पास से। अब दिस इज़ द टाइम कि अपन एस्केप कर ले अच्छा सा, अब फटाफट एस्केप करते क्योंकि अब बंदों की भी दिक्कत नहीं है कि यहाँ कोई बंदा आएगा। हाँ आ जा आ जा आ जा आ जा, सालों अभी तक तो पकड़ नहीं पाया, पकड़ोगे, अब तो मेरे पास कुछ भी नहीं है, तो मैं फटाफट यहाँ से डॉक निकलूँगा, डॉक में गाड़ी पार्क करूँगा, वहाँ से पेमेंट उठाऊँगा, पेमेंट क्या मतलब थोड़े दिन का टाइम उठाऊँगा, अपनी गाड़ियाँ घर पे लेकर खड़ी करूँगा, उसके बाद ट्रेड इन करके गाड़ियाँ माफिया को डिलीवर करूँगा दूसरी वाली। फाइनल भाई फाइनल भागना है, आप सीधी सीधी दौड़ लगानी बस, अब कोई दिक्कत ही नहीं है भाई। ओ भाई 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 भाई, रुक रुक रुक, हाँ अब आ जा आ जा आ जा, आना आना, अले ले ले 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 अले ले अले ले, अरे भाई 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 भाई, हाँ चल 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 चल, आजा आजा भाई आजा 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 आजा, ओहो 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 ओहो, हाँ रुक 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 रुक, ले आजा रुक रुक, अरे रुक रुक एक और बार रुक रुक रुक, हाँ भाई भाई च
चलते रहो यार, टेक तो सामने से आकर टक्कर देते ना भाई, इनकी बहुत गलत बात है, तुमको रोकना है तुम्हारी, तुम चेस करो ना बैक में, तुम सामने से आकर टक्कर कर देते फ्रंट में। आ जा इधर आ, इधर आ, हाँ ले ले ले, मैं तो यहीं से भी चढ़ जाऊँगा, ऑफ टेरन गाड़ी है, हल्का सा बूस्ट दूंगा ये हल्के में चढ़ेगी। आ जा बहुत फ्लेक्सिबल गाड़ी बेटा है, ले आ जा। और भाई ये गाड़ी अपने ऑफ रोडिंग कैपेबिलिटीज दिखाते हुए, आओ भाई कोई तो आओ, आ ना, हाँ खड़े हो यहाँ पे, आओ ना सर। अरे सॉरी सर, आपको कचोरी बना दिया मैंने, सॉरी सर, वेरी एक्सट्रीमली सॉरी। ओहो 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 ओहो, रिवर्स में चल, रिवर्स में चल, रिवर्स में चल, रिवर्स में चल। अरे भाई प्रेस वाले क्यों चल रहे हैं भाई साथ में? हाँ चल 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 चल, बैक ले बैक ले बैक ले भाई, हाँ थोड़ा सा राइट लेफ्ट, अब स्पीड ले भाई। लॉल लॉल लॉल, उड़ उड़ उड़। और भाई यहाँ पे एक गाड़ी बेहतरीन तरीके से बचाते हुए, हाँ भाई घूम जा घूम जा, हल्की सी घूम जा बस भाई, पुल पे सीधे चलिए सीधे सीधे। अरे भाई हटे, ओ भाई ट्रक को बड़ी प्यारी टप्पी दी थी भाई। और इसी के साथ अपनी कलाइयों का उमदा उपयोग करते हुए गाड़ी ऑफ रोड पर चढ़ गई। और सालों तुम अभी तक यहीं पर हो, नहीं यहाँ से तुम कितनी देर पहले निकल गए थे, तुम अभी तक यहीं पे बैठ गए, पार्टी बना रहे हो, झक मार रहे हो तुम लोग यहाँ पर। तुमको लॉस सैंटोस आर्मी ने इतनी पावर दी, उसके बाद भी तुम एक गाड़ी वाले को नहीं पकड़ पा रहे, गाड़ी नहीं रोक पा रहे तुम। अरे भाई रोको कैसे, उनको ट्रेनिंग मैंने दी थी, मेरी मेरे सामने मेरे शिष्य इतने अच्छे थोड़ी कर सकते हैं। ओ बुरा लगा, ओ भाई 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 क्या भाग रही है भाई, ओ ओ ओ धीरे 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 भाई। और भाई यार ये बहुत टाइम ले रहे हैं यार, अब मेरे को सिटी में घुसना ही पड़ेगा, अब सिटी में घुसना ही पड़ेगा, क्योंकि सिटी में छुप छाप के तो मैं निकल सकता हूँ। और जैसे तुम देख सकते हो हम आ चुके हैं मेन हाईवे से डॉक की तरफ जाने वाले हाईवे पे, एंड अब मेरे को कहीं ना कहीं छुपना पड़ेगा, बिकॉज इट्स ओवर टाइम। एंड भाई ये बहुत ज़्यादा दिमाग खा रहे हैं भाई ये बंदे, आओ यार अब कौन आ रहा है भाई। 210 भाई, हल्की सी स्पीड 210 से 206-7 पे ले जाता हूँ मैं, एंड भाई उसी से ब्रेक मारना पड़ जाता है मेरे को। और भाई तुम देख सकते हो भाई क्या स्पीड चल रही है भाई, अरे भाई 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 भाई, हाँ रुक रुक रुक, 210 अगर भाई ये गाड़ी मारती है, ओ भाई ये कर डाल दिया यार, मैं यहाँ से कैसे निकलूँगा, ओ भाई रुको एक सेकंड में निकालने की कोशिश करता हूँ, रुको एक सेकंड, आगे से कहीं से रूट होगा ना यार, इधर से ले चल, भाई भाई अरे यार यार काश रिवर्स में निकल जाए भाई, पूरी गाड़ी की डैम्पिंग करवानी पड़ेगी वापस भाई यार, भाई ऐसा आगे से भी कितनी बढ़िया लगती है। हाँ निकल जा निकल जा निकल जा निकल जा, हाँ फ्रंट 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 में भाग, फ्रंट में भाग, चल तुम्हारी एस तेस सीट लग गई वापस भाई, हल्के में ले लिया है क्या। और भाई जैसे तुम देख सकते हो अभी हम वापस हाईवे पे इन लोगों से भागते हुए और रास्ते ढूंढते हुए, अरे भाई 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 पीओआई ट्रेंड पीओआई ट्रेंड, यहाँ से रुक 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 रुक, घूम 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 घूम, सामने की तरफ शील्ड लानी चाहिए, बस 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 हल्की सी टप्पी मार। और इसके शुरू में घुसता हूँ साले के, इसने मेरे को शुरुआत में निकाला था ना, अगर तुमको नहीं पता मैं किस बात की बात कर रहा हूँ, इसने मेरे को कब निकाला था और इस शोरूम में मैं काम भी करता था क्या, तो तुम एक काम करना, तुम ये वाली वीडियो जाके देखना, तुमको पता चलेगा कि मैं किस की चीज़ की बात कर रहा हूँ। और इसका लिंक भी तुमको आई बटन में मिल जाएगा, तो तुम वहाँ पे जाके देख लेना, इसी के शोरूम में घुसूँगा। भाई ये शोरूम खाली पड़ा है भाई, क्या कंगाल हो गए या फिर शोरूम में बेच दिया या फिर कोई लेने ही नहीं आता भाई, बंद कर दिया। सो ओके गाइस, यहाँ पे हमको 6 स्टार से 4 स्टार पुलिस हो चुकी है, एंड अब मुझे लगता है कि मेरी लोकेशन एक्सपोज हो चुकी है, बिकॉज भाई आसपास मुझे बहुत ज़्यादा पुलिस का साइन आ रहा है, और मैं भाई यहाँ से निकल गया। ओ भाई सामने बैठा है भाई ये, ओ भाई भाई वो बंदा मेरे ऊपर वो लगा रहा था यार, एम लगा रहा था यार, what the hell bro, chill baby, chill, हाँ यहाँ से राइट 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 राइट, चल 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 चल, ओ भाई क्या सही गाड़ी भगा रहा हूँ भाई मैं, ओ भाई पुलिस वाले हो गए टप्पी दिए भाई। अरे हाँ इधर ये सीक्रेट स्ट्रीट है ना भाई, यहाँ पे जब वो हम स्ट्रिपर्स को गाड़ी में बैठा कर लेकर आते थे भाई भाई भाई, ये हाँ भाई इसके अंदर गुज्जा, इसके अंदर गुज्जा गुज्जा गुज्जा, हाँ भाई गुज्जा 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 गुज्जा। ओके गाइस अब मैं थोड़ी देर यहीं बैठूंगा,
देखते क्या होता है। सो क्या जिसमें देखते दो स्टार पुलिस भाई, दो स्टार पुलिस तो मैं यूँ चलते फिरते ले जाता हूँ, चार स्टार थोड़ी हैवी रहती है बिकॉज उसमें पुलिस के हेलीकॉप्टर्स आ जाते हैं ना। यहाँ एक काम करता हूँ, गाड़ी को एक बार बाहर निकाल लेता हूँ या फिर थोड़ी देर और रुक के देखूँ कि भाई मतलब क्या कैसे क्या सीन है, थोड़ी देर और रुक जाता हूँ देखता हूँ यार क्या सीन है, या फिर यार चलते ही हैं यार भाई देखते हैं पुलिस किस साइड से, जिस साइड पुलिस होगी उस साइड नहीं जाएंगे, जिस साइड पुलिस नहीं होगी उस साइड से भाग जाएंगे, और फिर पुलिस से फाइनल एस्केप करके इस गाड़ी को भी डॉक तक पहुंचाएंगे, और देखते हैं भाई पांच गाड़ी भी डॉक तक पहुंचे नहीं पहुंचने, या फिर मेरे को लगता है कि उसने बोला जब तक पुलिस शांत नहीं होगी पीछे से वो गाड़ी हम एक जगह सेफ रख लेंगे, लेकिन करेंगे सारी उसको एक्सपोर्ट, ऐसा नहीं कि अपन लेके भाग जाए या फिर अपन में उसको ले लें सारी गाड़ियाँ ट्रेड इन करनी, क्योंकि भाई वो जो बंदा है वो जो छः गाड़ियों की पेमेंट $10 मिलियन होती है वो उन छः गाड़ियों के $15 मिलियन दे रहा है अपन को, भाई $5 मिलियन का फ़ायदा। मतलब मान लिया अगर तेरे को मैं $10 मिलियन पे $4 मिलियन देता तो मैं उस चार की जगह तेरे को $15 पे $6 मिलियन दूंगा, तो यहाँ पे मतलब मेरा जो है वो पूरे के पूरे $4 मिलियन का फ़ायदा हुआ, या फिर कितने डॉलर्स का, $2 मिलियन का फ़ायदा हुआ, और माइकल का हुआ पूरे के पूरे $3 मिलियन का फ़ायदा, जो कि भाई बहुत ज़्यादा अच्छी बात है आई गेस। एंड भाई ये सब प्री प्लान था कि क्या कैसे करना है, लेकिन माइकल ने मेरे को समझाया, सो अब मैं यहाँ से भाग रहा हूँ फटाफट डॉक के लिए। एंड भाई यहाँ पर मैं आ चुका हूँ इस वाली सिटी पे, और भाई तुम जैसे ही देख सकते हो इस गाड़ी की कितनी अच्छी है, मतलब वो है तो मुझे लगता नहीं कि भाई तुमको इस गाड़ी का रिव्यू चाहिए, एटलीस्ट बाकी गाड़ियों का तो रिव्यू चाहिए होगा भाई, जैसे X7 हो गई, X6M हो गई, ठीक है, उसके बाद अपनी ऑडी की RS Q8 हो गई, देन अपनी लैम्बोर्गिनी उरस हो गई, एंग लोग थी उरस तो मैं ख़रीदने की सोच रहा हूँ बिकॉज इट इज़ अ नाइस कार है ना भाई, और उसके बाद मर्सिडीज़ AMG G-Wagon, और वो भी भाई मैंसरी एडिशन थी भाई, ऐसे हल्की फुल्की नहीं थी, मैंसरी एडिशन थी भाई वो भी, तो कोई नहीं अभी मैं डॉक तक पहुँचने वाला हूँ। डॉक के लिए भाई पटरी का रास्ता यही है शायद, आगे नहीं शायद पीछे है, पीछे गया भाई वो रास्ता या फिर आगे है यार, आगे यार एक काम करता हूँ मैं टनल, एक बार टनल में छुप जाता हूँ एक बार, ये पहले पुलिस का साइन हटवा दूँ, एक बार टनल में घुस के थोड़ी देर यहाँ बैठ जाता हूँ, और भाई टनल के अंदर भी रेल ट्रैक्स पे भी अच्छी खासी स्पीड है गाड़ी की, और भाई मुझे आवाज़ आ रही है साइन की, मैं बस गाड़ी यहीं पर रोक दूँगा, बस ऊपर होगी या बाहर होगी या फिर पीछे पीछे तो नहीं है भाई, साइड में लेता हूँ बिल्कुल कि कहीं पुलिस ना आ जाए मेरे को देख दाख ना ले, कोई नहीं कहे तो भी मैं थोड़ी देर यहाँ पे बैठता हूँ, ये पुलिस का हट जाएगा, फिर वो पांचों गाड़ियों को मैं लाने के लिए बोल देता हूँ वहाँ पे, उसको बोल देता हूँ कि भाई तुम निकल जाओ वहाँ से, और फिर भाई वो 5-10 मिनट में छुपते छुपाते कैसे ना कैसे उन पांच गाड़ियों को भी यहीं पे भिजवा देगा अपना दोस्त माइकल। ड्राइवर अभी तक इन गाड़ियों में इन्वॉल्व नहीं, ड्राइवर को मैंने बोला था कि भाई हम कुछ तो इल्लीगल सप्लाई करने जा रहे हैं, तो ये हेलीकॉप्टर जब ड्राइवर को नहीं पता कि हम ये गाड़ियाँ भाई चोरी चारी कर रहे हैं। सो ओके गाइस, फाइनली हमारे यहाँ से पुलिस हट चुकी है, एंड भाई अब अपन जा रहे हैं वापस बैक टू द सिटी, एंड ढूंढते भाई वो पोर्ट वाली पटरी, एंड मैंने माइकल को भी फ़ोन कर दिया कि माइकल वो पाँचों की पाँचों गाड़ियाँ लेके यहाँ पर भेज दे डॉक के ऊपर, मैं उस बंदे से जो कि कैरियर पे खड़ा है उसको बोल देता हूँ कि भाई ये पाँच गाड़ियाँ छः गाड़ियाँ है, छः SUVs है, और इनके बाद जो ट्रेड इन गाड़ियाँ है वो ट्रेड इन गाड़ियाँ हमको कितने दिन में कैसे कब दे देगा, एंड मैं उस बंदे से पूछ पाछ के और फटाफट भाई पहुंचना पड़ेगा मेरे को, और भाई मेरे को मिल नहीं रही वो एग्जैक्ट पटरी जो कि कटती है भाई वहाँ के लिए, अरे भाई मिल गई ये वाली पटरी कटती है भाई डॉक के लिए, तो भाई देख सकते हो ये है रास्ता हमारा डॉक के जाने के लिए, एंड इसके अलावा आई डोंट थिंक सो कि कोई रास्ता है डॉक पर जाने के लिए, और भाई अरे भाई कहाँ बैठ रहे हो, बिल्कुल स्मूथ लानी है गाड़ी, तो मैं एक काम करता हूँ इस गाड़ी को यहीं पे नीचे खड़ी करता हूँ, या फिर एक काम करता हूँ ऊपर ही ले चलता हूँ यार, नीचे कहाँ खड़ी करूँ, ऊपर मतलब इस स्टेप पे तो जाएगी, तो एक काम करता हूँ यहीं पे खड़ी कर देता हूँ भाई मैं गाड़ी, यहीं से फिर वो एयर लिफ्ट करवा के दूसरे शिप में सेंड करवा देंगे, जो भी करना है जैसे भी करना वो इनकी हेडक है, मैं तो बस अपनी गाड़ी को यहाँ खड़ी कर देता हूँ, और भाई माइकल का वेट करता हूँ कि वो कब वो पांच गाड़ियाँ भेजे या फिर लेकर आए। टिल देन तुम लोग कर दो इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो चैनल को, और कमेंट करके बताओ कि क्या तुमको हर एक गाड़ी का पर्सनल रिव्यू चाहिए, भी थोड़ा सा दिखा मैं देता हूँ कैसी गाड़ी है। सो ओके गाइस, यहाँ पे मेरे साथ माइकल आ चुका है, और भाई मैंने एक तो कौन सा वाला ग्लास पहले एक बार उतारूँ, और भाई ये दो गार्ड भी है जो कि उस बंदे के जो कि देख रहे हैं कि गाड़ी कैसी कौन सी लाए लाए हैं, तो भाई ये है अपनी मर्सिडीज़ की AMG G-Wagon मैंसेड एडिशन, एंड भाई तुम भी बैठ के देख लो एक बार कि भाई कैसी लगती है भाई मर्सिडीज वैगन अंदर से, तुमको फिर पता नहीं ज़िंदगी में देखने को मिले आखिर तुम हो तो आखिरकार कार्ड ही, तो भाई तुम देख सकते हो भाई क्या ही गजब गाड़ी है भाई, इसका पिकअप भी बहुत ज़्यादा तगड़ा है भाई, लाइट्स भी देखो क्या अच्छी है, ब्राबुस का लोगो लगा हुआ भाई इसके अंदर, तो मतलब ये AMG Wagon ब्राबुस मेंसेड एडिशन है भाई। ओके ओके ब्रो,
कहीं ये रॉकेट 900 तो नहीं है, कहीं मैं इसको ब्राबूस AMG वैगन बोल रहा हूँ, कहीं ये ब्राबूस रॉकेट 900 तो नहीं है, AMG वैगन कन्वर्टेड। एक बार मैं तुमको इस गाड़ी का पिकअप दिखाता हूँ भाई, पिकअप भी कितना तगड़ा भाई इस गाड़ी का, मेरे को एक सेकंड तुमको दिखाता हूँ भाई, देखना तुम एक सेकंड में देखना भाई तुम, 1 2 3 भाई 4 सेकंड के अंदर लिटरल रोड में, ये 4 सेकंड से पहले पहले भाई 100 किलोमीटर पर आवर पहुँच जाएगी भाई। भाई AMG वैगन भाई बहुत भारी होती है, और भाई 100 किलोमीटर भाई ऐसे पहुँच रही है। एंड भाई उसके बाद हम सबकी फेवरेट भाई, सबसे ज़्यादा अनमोल भाई की फेवरेट भाई, सबसे ज़्यादा अनमोल भाई की फेवरेट गाड़ी पे चलेंगे। लेकिन एक बार मैं तुमको इसका इंटीरियर दिखा दूं भाई, इंटीरियर नो डाउट बहुत अच्छा है, AMG जी वैगन मैंसर की एडिशन का ब्राबूस ने कस्टमाइज़ करी। और भाई इसका तुम इंजन देखो भाई, तुम लिटरल इंजन देखो भाई, लिटरल इंजन के टेक्स्चर्स भी क्या है भाई, क्या ओपी गाड़ी भाई, कितनी ओपी लग रही है भाई ये गाड़ी। अब एक काम करते हैं, इसको करते हैं बंद, अपन एक बार हम अपनी उस पे चलते हैं BMW X7 पे, जो कि भाई सबसे ज़्यादा फेवरेट एक यूट्यूबर की है। अगर तुम लोग उस यूट्यूबर का नाम मेरे को नीचे कमेंट सेक्शन में बताते हो, देन मैं भाई इस गाड़ी का एक पर्सनलाइज रिव्यू बनाऊंगा भाई, एक पर्सनलाइज रिव्यू बनाऊंगा मैं इस गाड़ी का, अगर तुम मेरे को है ना उस गाड़ी मतलब उस ओनर का नाम बता, उस यूट्यूबर का नाम बता जो कि इस गाड़ी को ओन करने वाला है जल्दी, और उसकी बहुत भाई फेवरेट कार भी है भाई। ये है BMW X7 40 एडिशन। अब तुमको समझ आ रहा होगा मैं किसकी बात कर रहा हूँ, अगर कोई म्यूचुअल व्यूअर है तो हाँ भाई तुम उन भाई को टैग कर सकते हो, यहाँ पर उन भाई को यहाँ पे मेंशन कर दो, इंस्टाग्राम पे स्टोरी लगा लगो, तुम उनको बताओ कि भाई एक ऐसा यूट्यूबर भी है जो कि भाई GTA 5 मोबाइल में खेलता है भाई, मतलब मोबाइल में ऐसे स्टोरी टाइम वीडियो बनाता है, सो आई विल हाईली अप्रिशिएट दैट। और भाई तुम देख सकते हो भाई BMW की X7 कितनी बढ़िया लग रही है भाई गाड़ी ये। इसका मैं एक बार तुमको इंजन दिखा रहा हूँ भाई, तुम एक बार इंजन देखो भाई इस गाड़ी का। ओ भाई 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 इसका इंजन भाई कितना रियलिस्टिक है भाई, ओ भाई ओरिजिनल BMW X7 का इंजन है भाई ये तो, ओ भाई 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 कितनी अच्छी लग रही है भाई यार ये गाड़ी यार, ओ ब्रो ब्रो यार सच भाई मेरे को भी लव एट फर्स्ट साइड हो गया भाई BMW X7 से भाई 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 भाई। और भाई ये है BMW की X6 M50 Di एडिशन। एंड भाई मैं तुमको एक बार ये गाड़ी दिखाता हूँ, इस गाड़ी के भाई एक्चुअली डोर्स वोर्स कुछ खुल नहीं रहे, तो इस गाड़ी को मैं ऐसे ही मतलब ऐसे ही दिखा देता हूँ तुमको, मतलब ऐसे कुछ ज़्यादा वादा बैठाना नहीं है, तो एक बार तुम लोग बैठ जाओ, इसका भी पिकअप तुमको दिखा दूँ, इसका भी पिकअप अच्छा खासा है ही। उसके बाद ऐसे लैम्बोर्गिनी हुरस ऑडी RS Q8 एंड देन भाई बेंटली बेंटियागा में तो बैठ कर हम लोग अभी आए ही हैं, मतलब हाँ मतलब मैं बैठ के आया हूँ, और मैं भी नहीं एक्चुअली फ्रैंकलिन बैठ के आया, तो बस फिर भाई सही है वो। एंड भाई इसकी देख सकते हो भाई तुम, इसकी लाइट्स कितनी प्यारी है, और भाई ब्रेकिंग इसकी बहुत ज़्यादा तगड़ी लग रही है मेरे को। एंड भाई इसकी एक बार तुम वो देखो भाई, भाई इसका पिकअप देखना तुम एक बार, BMW X6 M SUV है ये प्रॉपर, एक हैचबैक SUV टाइप। एंड भाई भाई इसका भाई कितना है भाई, मुझे डर लग रहा है मैं कहीं भेड़ ना दूँ उसको एकदम से जाके। रेडी 1 2 3 ओ भाई 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 बहुत तेज़ है भाई, मैं इसमें देख सकता। अगर तुम लोगों को एक प्रॉपर रिव्यू चाहिए भाई इस गाड़ी का, तो डू कमेंट मी डाउन इन द डिस्क्रिप्शन कि भाई हमको X6M का मतलब रिव्यू चाहिए। अगर तुम #X6M review भी लिखते हो तो ही मैं मतलब कर दूंगा इसका रिव्यू, ठीक है भाई। आ जाओ तुम भाई, भाई लैम्बोर्गिनी उरस में बैठ जा भाई, आ जा भाई माइकल ब्रो आ जा भाई, आ जा भाई इस गाड़ी के तो क्या ही कहने। X6M भाई अगर मैं इसको कस्टम मोड करवाऊंगा ना भाई, मेरी अली लैम्बोर्गिनी उरस भाई अलग ही बन जाएगी भाई। इस गाड़ी के अंदर भी ख़तरनाक पिकअप है। एंड भाई इसका ओरिजिनल साउंड और अगर ऐड कर दूँ मैं गेम में, ओह भाई 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 भाई, भाई क्या ही कहने भाई, गेम बिल्कुल एकदम अल्ट्रा रियलिस्टिक OP 100 हो जाएगा भाई। एंड भाई एक काम करते हैं, अब तुमको हाथों हाथ RS Q8 भी दिखा देते हैं भाई। इसका इंजन को ज़्यादा दिख नहीं रहा बिकॉज इसके टेक्सचर्स भाई रेंडर ही नहीं हुए। अरे भाई बेइज्जती कर दी यार, टेक्सचर्स ही रेंडर को ना हो रहे हैं। चलो कोई नहीं भाई, अब मैं तुमको एक बार RS Q8 दिखा देता हूँ भाई। इसकी डिग्गी भी नहीं हो रही शायद, डिग्गी भी इसकी, अरे भाई डिग्गी तो खुली नहीं रही भाई, डिग्गी खुली नहीं रही। कोई नहीं गाइस कोई नहीं, मैं तुमको एक बार RS Q8 दिखा देता हूँ। आ जाओ भाई RS Q8 देख लो भाई, भाई क्या कर रहे हो भाई, बेंटले बेंटे आगे को मत छेड़ो भाई। इसके एयर सस्पेंशन बिल्कुल अभी डाउन लेवल पे है। एंड भाई इसकी लाइट्स बहुत प्यारी है पीछे की। एंड भाई इसका पिकअप बहुत खतरनाक है, एयर सस्पेंशन इसमें सबसे डाउन लेवल। ओ भाई भाई बस बस बस,
X6M जैसे ही कलर है इसका, पता नहीं ये थोड़ा पर्ल पर्ल उसको पर्ल ऑरेंज कहते हैं, उसको आइकॉटिक ऑरेंज कहते हैं, पता नहीं कुछ ऐसे क्योंकि अजीब से तो कलर्स होते हैं यार, पता नहीं क्या तो ये कंपनियां करती है, कलर्स बहुत अलग अलग होते हैं, ये नहीं कि ऑरेंज ही रख दो भाई। उसके बाद ये थोड़ा ग्रीन है, ब्लू है, मैग्नेटा है, क्या है भाई। इसका इंटीरियर देखो अपनी बेंटले बेंटा का सबसे अलग ही इंटीरियर है। अब मैं एक बार तुम इन लोगों को भी एक बार दिखा दूँ भाई, अंदर से देख ले यार भाई, माइकल आ जा तू भी देख ले भाई कि बेंटले आगा अंदर से कैसे होते हैं भाई। तो फेवरेट वाली भाई सबसे अलग ही स्टार्टेक एडिशन और है एंड भाई इसका पिकअप तो भाई ये चौंक जाएंगे सारे भाई। भाई भाई क्या हुआ, सब तो 40 जा रही थी, यहाँ तक ये तो 50 पहुँच गई भाई एक साथ ही। ऑल दो भाई इसके अंदर लाइट्स इतनी ज़्यादा नहीं है, मगर हाँ अगर मैं इसको कस्टम मोड करवाता हूँ मैं करवा सकता हूँ। एंड भाई तुम यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे रियर व्यू स्ट्रिप्स भी लग रही है भाई। जो रियर व्यू स्ट्रिप्स क्या होती है मैं तुमको बताता हूँ, अगर हाईवे पे तेज़ में चल रहा हूँ एंड भाई दूसरे किसी दूसरी गाड़ी को नहीं दिख रही, तो भाई इस रियर व्यू स्ट्रिप्स के ऊपर जब उसकी लाइट पड़ेगी तो मैं अलग ही दिखूंगा, अगर मेरी बैक लाइट भी नहीं जलती तब भी, क्योंकि इसके अंदर 24/7 एक रेडियम लाइट जलती रहती है। एंड भाई तुम अब इसका इंटीरियर देखो भाई, इसका इंटीरियर आई मीन कि भाई इसका इंजन देखो भाई, इसका इंजन भी कितना रियलिस्टिक है ब्रो। ओ भाई 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 क्या लग रही है भाई ये गाड़ी भी यार, भाई वास्तव में बहुत अच्छी लग रही है। चलो कोई नहीं गाइस, अभी मैं अभी गार्ड से बात करते हैं माइकल और मैं, एंड देन फाइनल करके बताते हैं कि भाई क्या कैसे करना है। एंड भाई पीछे से भी देखो भाई क्या मस्त लग रही है, अभी मेरे पास कैमरा नहीं है वरना मैं कैमरा में दिखाता। कोई नहीं गाइस, अभी माइकल और मैं बात कर लेते हैं इन गार्ड से एंड देन तुमको बताते हैं कि क्या पूरा फाइनल क्या कैसे सीन है, और बाकी सब भी डिस्कस कर करा लेते हैं हम दोनों, मतलब हम तीन और चारों लोग। वो बंदा तो पता नहीं नीचे क्या देख रहा गाड़ी के, तो हाँ भाई चलो डिस्कशन कर लेते हैं क्या कैसे कैसे डील है, और तुम हमको बाकी की जो गाड़ियाँ है जो गाड़ियाँ इसके एक्सचेंज में दोगे वो कब दोगे, कौन कौन सी दोगे, वो सब मैं तुम लोगों को देखता हूँ। एंड भाई मुझे जल्दी जल्दी में भागना भी, अपनी होंडा सिविक उठानी है, अपनी ऑडी R8 उठानी है, एंड भाई अपनी फेवरेट टोयोटा इनोवा क्रेस्टा। चलो भाई तुम भी आ जाओ, मैं तो फटाफट कूद गाज के नीचे आ गया हूँ, नीचे आ गया आराम से बात करते हैं इनसे कि भाई मतलब क्या कैसे क्या सीन है ट्रेड इन को, और भाई तू बता कब तक देगा हमको हमारी गाड़ियों की। भाई ये भी आ गया भाई, माइकल भी बहुत तेज भाग के आ गया भाई। हाँ भाई माइकल बातचीत कर लो भाई इनसे ही, कब देंगे हमारी गाड़ी यार ये। सो ओके गाइस, ऐसे सारी बातचीत हमारी हो चुकी है, और भाई तुम देख सकते हो जैसे कि अभी हो रहे हैं संडे के सुबह के 5, तो हमको ये बोल रहा है कि भाई तुम्हारी गाड़ी मैं तुमको ट्रेड इन करवा के वेडनेसडे से थर्सडे दे दूंगा, और अभी फिलहाल तो हम ढूंढ रहे हैं एक रोड ताकि हम लोग जा सके वापस लॉस सैंटोस, बिकॉज मुझे अंकल का फ़ोन आ गया है कि भाई तेरी होंडा सिविक और ऑडी R8 मेरे पास आ गई और यहाँ से तू गाड़ी ले जा। एंड भाई तुम देख सकते हो मैंने इस गाड़ी वाले को रोक लिया, और भाई उतर अंकल। ओके माइकल बैठ चुका है, अब हम लोग जा रहे हैं यहाँ से फटाफट लॉस सैंटोस ताकि मैं कर सकूँ मेरी गाड़ी पिकअप। एंड भाई यहाँ पे हम चाहते हो 3-4 दिन रुक सकते हैं, लेकिन 3-4 दिन यहाँ पे रुकने का कोई मतलब नहीं। और भाई ये जो भी JDM कार है ना भाई, ये ट्यून नहीं है गाड़ी, इसकी अलाइनमेंट बेकार है, हैंडलिंग बेकार हो रखी है, सब कुछ बेकार है भाई इस गाड़ी का। सो ओके गाइस हम यहाँ पे बाइक पे बैठ चुके हैं, और अरे भाई तेरी ऐसी की तैसी भाई, एक बार नीचे उतरियो ले सावास। तो क्या जैसे हम देख सकते हो मैं अभी चल रहा हूँ हाईवे पे, यहाँ पे अपनी बाइक को भगा रहा हूँ मैं बिल्कुल 100 km/h से ऊपर की स्पीड पे। एंड भाई हमको फटाफट जाना लास्ट सैंटोस, अभी मुझे ये बाइक ही मिली इस पूरे हाईवे पे सबसे तेज, और भाई मैं फटाफट कट लगाते लगाते पहुँच जाता हूँ लास्ट सैंटोस। और तुम देख सकते हो लास्ट सैंटोस के अंदर एंटर भी कर चुका हूँ, वरना वैसे अगर तुमको पूरा रोड दिखाता तो भाई बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। एंड भाई तुम देख सकते हो ये माइकल भाई पुलिस वालों को मारने की कोशिश कर रहा है, एक को मार दिया, ले भाई इसको ही मार सवास। सो ओके जैसे हम देख सकते हो अभी मैं यहाँ से आगे आ चुका हूँ, एंड भाई ये SUV की टक्कर मार के पीछे कर दी। एंड भाई वापस मैं तुमको कट्स में दिखा रहा हूँ, वरना भाई वीडियो और ज़्यादा लंबी हो जाएगी, मैंने चाहता कि मैं वीडियो ज़्यादा लंबी करूँ, इसलिए मैं तुमको कट्स में दिखा रहा हूँ कि मैं कहाँ कहाँ पे कैसे कैसे किस किस रास्ते से जा रहा हूँ। एंड अभी मैं फ़िलहाल जा रहा हूँ माइकल को माइकल के घर ड्रॉप करने, उसके बाद मैं जाऊँगा अंकल के पास अपनी गाड़ियों को पिकअप करने। और जैसे तुम देख सकते हो पलक झपकते ही मैं बीच साइड पर पहुँच चुका हूँ माइकल के घर के आसपास, और भाई ये मैंने उनकी गाड़ी को पलटी दे दी, और मैं यहाँ पे माइकल को यहाँ पे उतार के फिर यहाँ से चलता हूँ फटाफट। और भाई ये गाड़ी भी अच्छी है, कौन जो गाड़ी भी है भाई ये
तो मैं माइकल को यहाँ पे उतारता हूँ, माइकल को बोल पूछता हूँ कि भाई माइकल कब चलना है, वेडनेसडे को चले यहाँ से, थर्सडे को चले, बिकॉज भाई बहुत ज़्यादा टाइम लगता है वहाँ पे पहुँचने में, बहुत ज़्यादा लंबा रूट है वहाँ का। एक बार मैं माइकल से पूछ रहा था, और भाई नेक्स्ट डे हो भी चुका है हमको, तुम देख रहे हो पूरा पूरा एक दिन लग गया। अरे यार बिकॉज हम वहाँ पे बीच में रुके भी, हमने वहाँ पे एक रात की नींद भी ली भाई, चैन की लंबी, ज़्यादा लंबी नींद ले ली थी, उसके बाद हमने खाना वाना भी खाया, मतलब बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट करा इसलिए हमको टाइम लगा। और भाई ये गाड़ी भी अच्छी है लेकिन धूल लाल जलेमी है भाई, ओनर जो भी था भाई इसकी टेक केयर नहीं करता था। कोई नहीं गाइस, अभी मैं इस गाड़ी को भी यहाँ पे छोड़ता हूँ और भाई माइकल से बात बूत कर करा के फटाफट अंकल के लिए निकलता हूँ, बिकॉज भाई अपनी गाड़ी है तैयार। सो ओके गाइस, तुम जैसा कि देख सकते हो मैं यहाँ से निकल चुका हूँ अपनी गाड़ियों को पिकअप करने, बिकॉज भाई अपनी गाड़ियाँ भी रेडी हो चुकी है। मैं फटाफट अभी अपने घर चलता हूँ, सबसे पहले एक बार अपने घर पे जाके एक बार कपड़े वपड़े चेंज करूँ, बिकॉज भाई ऐसे जाऊँगा ऐसे, मतलब तुम देख रहे हो कितनी पुरानी टी शर्ट, तो मैं एक बार इस गाड़ी को यहाँ पे आराम से खड़े कर देता हूँ, अंदर जाके अपने आराम से कपड़े वपड़े चेंज करता हूँ, एंड देन भाई आराम से अभी और सोकर मैं अपनी गाड़ियों को पिकअप करने जाऊँगा। कल अभी इनोवा का पता नहीं इनोवा का क्या है, इनोवा के सस्पेंशन में कुछ दिक्कत आई है, हाइड्रोलिक सस्पेंशन वहाँ के वर्कर्स ने खोल तो लिया टोयोटा वालों ने, लेकिन उन बेचारों से अब वो लग नहीं रहा है, फिर पता नहीं टोयोटा नहीं शायद किसी बाहर वाली वर्कशॉप को ही कर रहे हैं, बिकॉज भाई टोयोटा यहाँ पे लॉस सेंटर्स में ऑपरेट नहीं करती, उनका कोई है, लेकिन हाँ कहलाया वो टोयोटा का जाएगा। कोई नहीं गाइस, वो जो भी हो गाड़ी सही हो जाएगी, मैं तुमसे मिलता हूँ कल। सो ओके गाइस, जैसे तुम देख सकते हो मैं अभी अपने घर से बाहर आ चुका हूँ, और भाई तुम देख सकते हो अभी फ्रैंकलिन ने मस्त एकदम अपना हुडी वाली जैकेट वैकेट पहन ली, एकदम हुड वाली बातचीत हो रही है अपने यहाँ पे, ठीक है गाइस तुम समझ रहे हो। अब मैं बैठता हूँ अपनी इस गाड़ी के अंदर और मैं निकलता हूँ भाई यहाँ से, फटाफट निकलता हूँ, और भाई जैसे तुम देख सकते हो यहाँ से अपन चलते हैं, और भाई 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 क्या मार रहे भाई ये गाड़ी ड्रिफ्ट ड्रिफ्ट, और भाई 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 ये मस्त है भाई, ये गाड़ी मस्त है, JDM कार थोड़ी बहुत प्रॉपर ट्यून मेरे को ये लग रही है भाई, फटाफट चलते हैं अपन। सो ओके गाइस, जैसे तुम देख सकते हो हम फटाफट यहाँ पे एम्यूनेशन के आसपास आ चुके हैं, मुझे लगता है हाँ एम्यूनेशन के आसपास आ चुका हूँ, एंड भाई अंकल का दुकान अब यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, और भाई ये टप्पी दी कॉमेट को और ये हल्की सी पुच्ची दी रोड को, और भाई ये ट्रक है, और भाई 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 आराम से भाई आराम से, और भाई अपन चलते हुए और अंकल की दुकान आसपास ही है मेरे हिसाब से, क्या हम सही जगह पहुँच गए हैं, हम सही जगह पहुँच गए। अरे भाई भाई कैसे कैसे खड़ी कर रखी है तुमने भैया। चलो गाइस मैं फाइनली यहाँ पे पहुँच चुका हूँ, मैं एक बार अंकल को फ़ोन करके बोलूँ कि अंकल मेरी गाड़ियों को अपने गोडाउन से निकाल कर लेकर आओ, मुझे लेकर जाना है जल्दी से जल्दी मामा मी है। कोई नहीं गाइस, मैं 2 मिनट रुक के देखता हूँ क्या बोलता है अंकल और बुलाता हूँ मैं उसको। सो ओके गाइस, जैसे तुम देख सकते हो अपनी ऑडी R8 और अपनी होंडा सिविक यहाँ पे आ चुकी है, और भाई क्या है क्या है भाई भाई किसको गोली मार रहा है। ओके भाई, तो अब तुम देख सकते हो ऑडी R8 की अपनी स्पीड देखना भाई, अब ये देखो भाई ये है अपनी ऑडी R8 भाई, इसको अभी टेस्ट वेस्ट भी करेंगे, इसका एक प्रॉपर रिव्यू लाएंगे, मैंने जब से खरीदी जब से गाड़ी या तो ख़राब हुई है या फिर कुछ ऐसे हुई है, इस गाड़ी का प्रॉपर रिव्यू बनाऊंगा, इस गाड़ी का रिव्यू तुमको मिलेगा मेरे इसी चैनल पे, कोई दूसरा चैनल नहीं है इसी चैनल पर मिलेगा, तो बेल आइकन को दबा दो और सब नोटिफिकेशन को ऑल पे कर दो। एक बार इस गाड़ी को मैं साइड में करूँ, एक बार इस गाड़ी को बंद करके, और एक बार तुमको अभी सिविक दिखा दूँ अपनी भाई, सिविक का भी देखो, सिविक का भी पिकअप विकअप सही हो गया ना अब, और भाई सिविक के ऊपर मैंने अपना PPF भी करवा लिया, मैंने PPF उस वक्त सिर्फ ऑडी R8 ले लेते हैं, मेरा महंगी गाड़ी है ये इस पर ले लेते हैं, लेकिन अब मैंने इस गाड़ी पे भी PPF करवा लिया, और भाई मैंने इसके ऊपर मैट वाला करवाया, ग्लॉस वाला नहीं, एंड भाई अब तुम देख सकते हो भाई क्या मस्त चल रही है भाई ये। चलो कोई नहीं गाइस, जब मैं निकल अपनी ऑडी R8 लेके निकलता हूँ अपने घर के लिए, और उसको फटाफट घर पे जाके पार्क कर देता हूँ। और बात रही अपनी होंडा सिविक की, तो होंडा सिविक मैंने अभी इसके गैराज में खड़ी कर दी है, मैं बाद में कभी आकर ले जाऊंगा या फिर किसी को बोल लूँगा अंकल के कि भाई रख दे मेरी गाड़ी को घर पे। और भाई तुम देख सकते हो अपनी गाड़ी जो है भाई कितनी मास्ट स्मूथ भग रही है, अब मेरे को बस इसकी एक JDM ट्यूनिंग ऑन करवानी है, ताकि इसके अंदर जो स्किड विस्किड ओवर स्किड हो रही है ना भाई ये गाड़ी ये नहीं हो, बस मेरे को एक ये करवानी है, और बाकी भाई ड्रैग व्रैग भी सही है, और भाई ब्रेक भी बिल्कुल प्रॉपर लग रहा है, स्टीयरिंग भी बिल्कुल सही है, बस मेरे को एक बार ट्यूनिंग करवानी है गाड़ी की, बिकॉज भाई ये जो हो रही है ना भाई ये जो स्किड मर रही है भाई ये बहुत गलत है भाई। और मैं सोच रहा हूँ इसके जो टायर है वो भी ऑफ रोड से परफॉर्मेंस सीरीज़ के ही करवा लूँ, बिकॉज भाई मैंने ये इसलिए करवा रखे थे, अरे शायद इसने परफॉर्मेंस सीरीज़ वाले डाल दिए ऑफ रोड से, अभी मैं एक बार प्रॉपर रखूँगा, अरे यार इसने परफॉर्मेंस सीरीज़ डाल दिए यार, मेरे को फील नहीं हो रहा परफॉर्मेंस से, शायद इसने सेकेंड हैंड डाल दिया या फिर भाई गलती से डाल दिया भाई इन लोगों ने, मैंने वैसे बोला था कि टायर मैं अपग्रेड कराऊंगा तो इसने शायद खुद ही अपग्रेड कर दिया, लेकिन भाई ये जो स्किड मार रही है ना ये एक बार मेरी गाड़ी ट्यूनिंग होगी उसके बाद होगी, उसके बाद प्लस मैं इसका जो एग्जॉस्ट है वो एग्जॉस्ट भी एक बार इसका थोड़ा मतलब कस्टमाइज़ करवाऊंगा, तो फिलहाल के लिए मैं इस गाड़ी को अपनी अंडर डालता हूँ,
एंड एक बार अपनी ये बाइक हटाऊँ यार, मैं इस गाड़ी को इधर इधर डालूँ कोने में, अपनी बाइक हटाऊँ। अभी अपनी आप आनी है सिविक और इनोवा क्रेस्टा, तो एक बार मैं इसको खड़ी कर दूँ आराम से। सो ओके गाइज, अब मैं किसी दूसरे की गाड़ी को लेके आ चुका हूँ अपनी, मैंने वहाँ पे ऑडी Q8 खड़ी कर दी है। वो Q8 बोल रहा हूँ भाई, ऑडी R8 मैंने वहाँ पे खड़ी कर दी है। ऑडी Q8 की भाई गलत लग गई आदत, ऑडी R8 मैंने अपनी वहाँ पे खड़ी कर दी। और भाई मैं किसी की तो कोई गाड़ी ले आया हूँ, शायद ये बुलेट है, तो ठीक है गाइज मैं किसी की बुलेट ले आया हूँ, पर्पल रंग की। मुझे लग रहा है बैलास वालों की बुलेट है, बिकॉज पर्पल रंग की गाड़ी ऑब्वियस बात है बैलास वाली रखते हैं। तो अभी ये गाड़ी को लेकर चलते हैं अपन अपने अंकल के पास, और वहाँ पे जाकर खड़ा कर देते हैं अंकल के पास, और देखते हैं भाई अंकल अपना क्या बोलता है। सो ओके गाइस, जैसे देख सकते हो अपने ये सिविक लेके आ चुका हूँ, वो गाड़ी मैंने वहीं पे छोड़ दिया, भाई सर को जो करना कर ले, मैंने ये तक बोल दिया उसको। और भाई इस गाड़ी की भी ट्यूनिंग व्यूनिंग बहुत मतलब सही सी हो गई है, एंड भाई ये गाड़ी भी ऐसे मतलब मस्त चल रही है भाई, अभी तुम देख रहे हो भाई। ओ भाई 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 धीरे 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 भाई, गेम लैग कर जाएगा अभी, ज़्यादा धीरे ज़्यादा तेज मत भागो। ओ भाई 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 इस गाड़ी की भाई ट्यूनिंग करवाऊंगा, इस गाड़ी को मैं थोड़ा स्किड वाला बनवाऊंगा। और भाई तुम देख सकते हो इन बंदों की गाड़ी मैंने यहाँ से चुरा ली है, मैं अपनी होंडा सिविक तो अपने घर पे छोड़ आया, अब मेरे को जानी है अपनी इनोवा क्रेस्टा लेने जाना है। लेकिन पहले मैं इस गाड़ी को अंदर खड़ी कर दूँ, ये बिकॉज इनोवा क्रेस्टा अपनी डायरेक्ट शोरूम से आएगी, यहाँ पे इस अंकल के पास नहीं आएगी। वो कह रहा था बोला शोरूम वाला बंदा कि सर मैं आपकी गाड़ी या तो यहीं कहीं से पिकअप करूँगा या फिर कुछ कैसे क्या करेगा, वो मेरे समझ नहीं आ रहा। और यार अभी अपन को ट्रेड इन वाली गाड़ियाँ लेने भी जाना है, देन उनको माफियाओं को देने जाना है। कोई नहीं गाइस, अभी मैं अपनी गाड़ी यहीं पर छोड़ देता हूँ, और देन मैं कल देखता हूँ भाई वो इनोवा क्रेस्टा वाले के मतलब इनोवा वाले कह रहे हैं कि मतलब जो इनोवा देने आएगा बंदा, या फिर टोयोटा वाले कह रहे हैं कि भाई तुम्हारी जो गाड़ी है वो हम कब तुमको कल देके जाएंगे, तो कल का कल देखेंगे भाई। अभी अपन को सोना मांगता है, अपन अभी अपन सोएंगे आराम से सोएंगे। तो अभी मैं इस गाड़ी को भाई यहीं खड़ी कर देता हूँ। अरे भाई ये गाड़ी है बवाल है भाई, ये खड़ी नहीं हो रही गाड़ी भाई, भाई ये गाड़ी खड़ी ही नहीं हो रही। तो मैं अभी ये गाड़ी को यहाँ खड़ी करता हूँ और अंदर जाके सो जाता हूँ आराम से, एंड देन अपन करेंगे बाद में आराम से कल का काम कल, आज बस सोना है सोना। The next morning. सो ओके, जैसे हम देख सकते हो अभी हम लोग उठ चुके हैं नेक्स्ट डे पे, एंड अभी मैंने पहले सूट वूट, बिकॉज सबसे पहले तो मेरे को इनोवा क्रेस्टा चेंज कर मतलब लेके आनी है, उसके बाद देन भाई मेरे को सबसे मेन काम ट्रेड इन हुई हुई गाड़ियों को लेने जाना है। एंड मैंने स्प्रे का जो आगे कपलर होता है ये भी सही कर लिया भाई। सो ओके गाइस, यहाँ पे इनोवा क्रेस्टा वाला मेरे को अपनी इनोवा क्रेस्टा डिलीवर कर गया, और भाई इस गाड़ी को देखो तुम यार क्या चमक आ गई है भाई इसमें, अरे भाई अल्टीमेट लेजेंड लेजेंड तरीका भाई। और भाई इसके गेट अभी भी नहीं खुल रहे हैं यार, बे यार कोई नहीं, अभी इसकी लाइट वाइट देखो, लाइट वाइट सही हो गई है, PPF सही है, परफॉर्मेंस टायर सही है, और आवाज़ भी सही है, रियल व्हील ड्राइव है अपनी गाड़ी, और रियल रियर मतलब फ्रंट व्हील ड्राइव है, फॉरवर्ड व्हील ड्राइव है, FWD गाड़ी है अपनी, रियर व्हील ड्राइव नहीं है। और भाई हाइड्रोलिक्स भी दिख रहे हैं मेरे को गाड़ी के अंदर, और भाई रिफ्लेक्शन भी सही है, ग्लॉस अपने PPF की, हाँ भाई आफ्टरऑल सही है, मेरे को स्पीड के मामले में देखना है। सो ओके गाइस, लेट्स गो, लेट्स टेस्ट आर इनोवा क्रेस्टा स्पीड की, हाँ भाई इनोवा क्रेस्टा की स्पीड कैसी। और भाई बढ़ गई भाई, इसके ब्रेक ज़रा टाइट हो गए यार, ब्रेक ज़रा टाइट हो गए, अरे शिट 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 भाई, भाई इसकी भी ट्यूनिंग करवानी पड़ेगी यार, हम सारी गाड़ियों के अंदर ट्यूनिंग करवाने का खर्चा अलग आएगा भाई, ये काम बढ़ गया यार। अबे यार मेरे को ये चाहिए ही नहीं था भाई, इसके ब्रेक ज़्यादा हार्ड है यार, बहुत ज़्यादा हार्ड है, और हैंडल मोड़ते, ओ भाई 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 भाई, भाई गाड़ी स्टॉपिंग मार रही है ब्रो, व्हाट द हैक ब्रो, व्हाट द हैक, गाड़ी स्टॉपिंग मार रही है, ओ भाई 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 भाई, इसके सस्पेंशन बहुत ज़्यादा नीचे ही नहीं हो गए भाई, अरे यार टोयोटा वालों भाई क्या कर दिया यार तुमने भाई। और भाई इसका चलो आर्मर शील्ड तो नहीं लगाया, हटाई इन लोगों ने, जो मशीन होती है वो पूरी वो नहीं हटाई इन लोगों ने भाई, लेकिन उसके ब्रेक बहुत ज़्यादा गलत हो गए भाई, साला कहीं भी मारो ये तो पावर ब्रेक भाई एक साथ ही रोक देंगे भाई, ये बिल्कुल ही रुला देंगे भाई ये, ओ भाई 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 भाई, ओके 200 जा रही है भाई, ओके ओ भाई 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 भाई, अरे यार भाई ये तो तबाही कर दी भाई टोयोटा वालों ने गाड़ी, लेकिन सस्पेंशन बिगाड़ दिए, ब्रेक बिगाड़ दिए भाई गाड़ी के मेरे। और भाई स्टेयरिंग भी थोड़ा ज़्यादा ही मुड़ रहा है, SUV के लिए इतना ज़्यादा मुड़ना अच्छा नहीं होता, बिकॉज SUV को बॉडी रोल ऑलरेडी ज़्यादा होता है, और भाई हाइड्रोलिक में तो भाई रुला देगी गाड़ी ये। सो कोई नहीं गाइस, अभी मैंने अपनी तीनों गाड़ियाँ अंदर कर दी, और भाई ये जो थी गाड़ी भाई ये वाली मैंने बाहर कर ली है, जिसके अंदर अभी अपन माइकल को लेके जाएंगे, और भाई थोड़ी सी तुम अंदर हो जाए धक्का मार के अंदर कर देना उसको, और ये भी प्रॉपर अंदर हो चुकी है। अब भाई ये जो गाड़ी थी भाई ये फर्जी सी रोल्स रॉयस जैसी दिखने वाली, इसको लेके चलते हैं, और भाई माइकल को पिकअप करते हैं और बोलते हैं कि भाई चलना नहीं है क्या,
सैन फेवरस चलना नहीं है क्या भाई अपनी एयरपोर्ट पे? एयरपोर्ट क्या वो डॉक पे 6 गाड़ी जो ट्रेडिंग वाली है वो करने वाली। तो मैं फटाफट माइकल के घर पे टेलीपोर्ट हो चुका हूँ और मैं माइकल को बुला लेता हूँ कि भाई माइकल चल यार जल्दी चल। माइकल को बुलाता हूँ मैं, एक बार मैं उतर जाऊँ वहाँ पे आराम से। आजा भाई माइकल। सो ओके गाइस, माइकल जाके बैठ चुका हूँ। मैं सर भाई माइकल कितना गंदा है। माइकल ने भाई अभी तक भाई भाई वही कपड़े पहन रखे यार माइकल ने। माइकल भाई थोड़ी तो एटिकेट से तमीज लेकर आओ भाई, कपड़े तो चेंज करो यार माइकल भाई। कोई नहीं गाइज, अभी माइकल भाई को कोई कुछ नहीं बोलेगा। माइकल भाई को हम लेके चलेंगे ऐसे ही कपड़ों में इस नई नई गाड़ी के अंदर, पता नहीं किसकी गाड़ी है, कौन सी गाड़ी है। और भाई यहीं पे बैठा लेते हैं माइकल को। और भाई माइकल चलो हमारे साथ, यहाँ से मारेंगे हम प्यारा सा जंप। अरे भाई 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 ओ भाई 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 अरे भाई ये ऑफ रोड में कहाँ जा रही है गाड़ी भाई? ऑफ रोड में ऑफ रोडिंग कैपेबिलिटीज गाड़ी की बहुत गंदी है। ओ भाई भाई ओ भाई 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 इसको पीछे ले लो, पीछे ले लो, पुल पे से निकाल लो यार इस गाड़ी को भाई। ऑफ रोडिंग कैपेबिलिटी बहुत गंदी है भाई, ये सेडान तो बहुत बेकार है, ये तो बड़ी बेकार सेडान है जी। और भाई स्पीड तो अच्छी खासी है, पिकअप भी अच्छा खासा है। ले जाऊँगा मैं इस गाड़ी को सैन फेयरस तक। तो ओके भाई अभी मैं फटाफट हाईवे पे कट मारते मारते फटाफट तुम लोगों को वहाँ पहुँचा देता हूँ। जैसा कि तुम देख सकते हो अभी तुमने देखा भाई बहुत लंबा सफ़र है। और भाई मैं तुम लोगों के लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ, तो भाई एक लाइक प्लीज़ जस्ट एक बार लाइक कर दो। मैं तुमको प्रॉमिस करता हूँ मैं तुमको और ऐसी ओपी वीडियोस दूंगा। और मेरे को बताओ कि अब हमारे पास पैसा आ जाएगा तो हमको क्या लेना चाहिए? एक नया घर लेना चाहिए, एक नई गाड़ी लेनी चाहिए, या फिर हमको याच वाच लेनी चाहिए? तो भाई यार तुम लोग मेरे को है ना कमेंट्स में बताते रहा करो, और भाई बताते रहा करो कि क्या हमको कैसे क्या करना चाहिए। क्योंकि भाई मैं अकेला इतना दिमाग नहीं लगा सकता ना यार, मेरे को तुम्हारा भी थोड़ा योगदान चाहिए। मतलब हाँ लगाऊंगा, लेकिन तुम्हारा भी थोड़ा योगदान चाहिए। देखो कितना लंबा हाईवे का सफ़र है, मैं तुमको सब कुछ शॉर्ट में दिखा रहा हूँ। वरना मैं चाहता तो इस 1.5 घंटे की वीडियो को 2.5 घंटे की वीडियो कर देता आराम से। 2.5 घंटे की वीडियो में रिटेंशन थोड़ी कम हो जाती, लेकिन वॉच टाइम थोड़ा ज़्यादा आ जाता, लोग बाग ज़्यादा देखते, उसके बाद इंप्रेशन थोड़े बढ़ जाते। चलो ये थोड़ी टेक्निकल चीज़ हो गई। कोई नहीं, कहते तुम देख सकते हो मैं आ चुका हूँ अभी ओवरहेड ब्रिज पे, हैंगिंग ब्रिज पे, जो कि बहुत ही ज़्यादा बढ़िया लगता है। और भाई तुम देख सकते हो यार क्या लग रही है भाई ये। इस गाड़ी की जगह अगर असली रोल्स रॉयस होती तो कितनी बढ़िया होती। कोई नहीं गाइस, एक दिन अपन अपनी असली रोल्स रॉयस भी खरीदेंगे, गोल्ड ही खरीदेंगे भाई। और तुम देख सकते हो अभी हम लोग आ चुके हैं यहाँ पर, एंड भाई हम डॉक वाले एंट्रेंस पे भी पहुँचने वाले हैं। ठीक है गाइस, तो अब यहाँ पे देख सकते हो हम डॉक वाले एंट्रेंस पे भी आ गए हैं। और जस्ट थोड़ा सा अंदर यहाँ पे, और एक बार ज़रा उससे पूछे कि भाई ये जो गार्ड वार्ड है यहाँ पर, और भाई ये कैरियर अभी भी यहीं पे उठा है, मतलब कोई दूसरा कैरियर ओवरशिफ्ट हुआ है भाई। और भाई बारिश बड़ी ख़तरनाक आ रही है यार यहाँ पर। ओ भाई 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 हल्का सा ब्रेक मारती है, क्या हो रहा है भाई गाड़ी को? कोई नहीं, कहते मैं अपनी गाड़ी यहाँ खड़ा करता हूँ और माइकल को बोलता हूँ भाई बुलाऊ उनको, उनसे पूछ कहाँ है अपनी गाड़ियाँ। सो ओके गाइस, माइकल ने उन बंदों से फ़ोन पे बात कर ली, और भाई बारिश भी रुक चुकी है, एंड अब हम जा रहे हैं अपनी गाड़ियों को देखने। तो मैं तुमको बताता हूँ कहाँ पे गाड़ियाँ। तो वो जो माफिया है वो आएगा इस चैम्बर के अंदर डील करने, एंड अब तुमको मैं गाड़ियाँ दिखाता हूँ कि गाड़ियाँ कौन कौन सी ट्रेड इन होकर आई है और कौन सी कैसी कैसी गाड़ी आई है भाई। चलो मैं तुमको दिखाई देता हूँ यार फाइनली, अब मुझसे भी रुका नहीं जा रहा भाई, एक राइड तो मैं भी लूँगा। और तुम मुझे बताते रहना कि तुमको उन पुरानी 5 गाड़ियों का या 6 गाड़ियों का एक फुल पैक रिव्यू चाहिए कि नहीं चाहिए। और अभी तुम लोगों को ये 6 गाड़ियाँ भी दिखाता हूँ, और बताना तुमको इन 6 गाड़ियों मतलब टू इन ऑल 12 गाड़ियाँ ये और 3 गाड़ियाँ अपनी, अब तुमको टोटल 15 गाड़ियों का रिव्यू चाहिए कि नहीं चाहिए, तुम मेरे को नीचे कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हो। और भाई तुम ये देखो भाई, ये है वो गाड़ियाँ भाई, ये भाई ये दिख रही है भाई, अब तो दिख रही है तुमको। यहाँ पे X7 वही दिखेगी, लेकिन वेट अ सेकंड, ध्यान से देखो ये X7 पिछली वाली X7 से थोड़ी ज़्यादा बड़ी लग रही है, बिकॉज ये है X7 StarTech एडिशन। मतलब इसके अंदर StarTech का बॉडी गार्ड लगा हुआ है, जो कि अपनी बेंटेगा के अंदर लगा हुआ था उस वाली के अंदर, तो वही बॉडी गार्ड इसके अंदर लगा हुआ है। चलो मैं तुमको यहाँ से शुरू से दिखाता हूँ। तो भाई ये है X7 StarTech एडिशन भाई, स्पेशल एडिशन है StarTech का। और भाई इस StarTech एडिशन के अंदर मतलब बस दो ही ऐसी BMW X7 है जिसपे StarTech एडिशन का बैजिंग हो या फिर बॉडी किट लगा हो। उसके बाद भाई तुम ये नेक्स्ट गाड़ी देखो भाई, नेक्स्ट गाड़ी भाई इसका इंजन भी देखो एक बार, तुम इसका इंजन भी देख लो। ये वाला थोड़ा अलग है, तुमको इससे भरोसा भी जाएगा कि ये दूसरी X7 है, वही वाली X7 नहीं। देखो इसका थोड़ा मस्कुलर वाला है, क्योंकि इसके अंदर सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है, मतलब जो होता है ना क्रैश टेस्ट वाला, तो वो थोड़ा बढ़ाया है, इसलिए इसका इंजन थोड़ा छोटी जगह में और ज़्यादा डैम्पिंग हो रखी है गाड़ी के अंदर। एंड भाई उसके बाद भाई ये है मर्सिडीज बेंज EQS वैगन कॉन्सेप्ट एडिशन। एंड भाई इस गाड़ी के अंदर क्या खास बात है मैं तुमको दिखाता हूँ, इस गाड़ी के अंदर क्या खास बात है। अभी देखो
ये गाड़ी की हाइट नॉर्मल गाड़ी से बड़ी है, ठीक है। उसके बाद इसके व्हील्स कैंपर्ड है, एंड भाई लाइट देखो, लाइट के अंदर देखो ऊपर एक लाइट जल रही है, बीच में ग्रिल के अंदर लोगो और सब जल रहा है, ग्रिल और लोगो जल रही है, ठीक है। अब यहाँ साइड से देखो, साइड से ये पूरी लाइन चल रही है एक, ठीक है, ऊपर चली रहा है ना, साइड मिरर्स पे भी है। अब पीछे आकर देखो तो पीछे देखो, पीछे है ना नीचे लाइट जल रही है, और भाई ये जो व्हील कैप है ना, व्हील कैप में भी लाइट जल रही है, और भाई ऊपर की साइड है ना, ऊपर की साइड भी लाइट जल रही है, और सेम डोर्स का उस साइड पे भी है। भाई तुम देख रहे हो भाई, मतलब क्या एपिक लग रही है सिर्फ लाइट्स लाइट एड ऑन होने से। और भाई थोड़ी सी ट्यूनिंग करके भाई गाड़ी का कलर भाई एकदम बिल्कुल चेंज कर दिया, ऊपर कार्बन फाइबर एंड ऑल, भाई क्या ओवरऑल भाई गाड़ी बहुत अच्छी लग रही है। उसके बाद भाई नेक्स्ट गाड़ी अपनी है फोर्ड की ब्रोंको वाइट ट्रेल एडिशन। भाई ये ओपन रूफ जीप टाइप्स है, भाई छोटी सी जिप्सी टाइप है, लेकिन भाई इसकी ऑफ रोड कैपेबिलिटी बहुत अच्छी है। भाई ओपन रूफ है, तुम देख सकते हो पीछे से जिप्सी टाइप बिल्कुल ओपन है, और भाई इसकी लाइट्स बिल्कुल एकदम ओपी सी है भाई। चलो अब तुमको मैं नेक्स्ट गाड़ी दिखाता हूँ। नेक्स्ट गाड़ी भाई, नेक्स्ट गाड़ी को मुझे नहीं लगता कि उसको कुछ मतलब ऐसे नाम वाम बताने की ज़रूरत है। और भाई फोर्ड ब्रोंको का भी एक बार इंजन पे देख लो, एक बार तुम भाई देख सकते हो क्या ओपी टेक्सचर से भाई, थैंक्स टू द मोटर्स भाई जो इतनी मेहनत कर रहे हैं। तो अब एक शॉर्ट आउट टू देम टू कि हाँ, मैंने तुम्हारा मॉडल यूज़ करा एंड अपनी वीडियो में तुमने मेरा योगदान दिया, थैंक्स अ लॉट टू यू ब्रो। तो और देख सकते हो तुम, ये है भाई लैंड रोवर की डिफेंडर 110 SV एडिशन। भाई ये गाड़ी तो बिल्कुल ही गजब एपिक एडिशन भाई, एपिक चीज़ है। तो इसके बारे में तो भाई कुछ बोलना ही नहीं चाहिए, मेरे को लगता है इसको तो इंट्रोडक्शन की भी चीज़ नहीं है चाहिए भाई। मतलब इसको एक बार मैं तुमको इसका इंजन दिखा सकता हूँ, तो मैं एक बार तुमको इसका इंजन दिखा देता हूँ कि इसका इंजन भी कितना बढ़िया लगता है। तो अरे भाई खुल जाए एक बार, और भाई इसका इंजन देखो भाई, इसके अंदर देखो ये PSI मोटर्स भी है और भाई इंजन भी है। चल भाई बंद हो जा, बंद एक बार तुम देख लो, एक बार ये मोटर्स देख लो ये क्या है, मतलब कुछ अलग टेक्नोलॉजी है। फिर कभी तुमको फुल रिव्यू में बताऊंगा कि डिफेंडर में क्या होता है ये। तो अभी इस गाड़ी को बंद करते हैं। उसके बाद भाई ये है, ये तो भाई अभी हाल फिलहाल की लेटेस्ट गाड़ी है भाई, ये है जीप की ग्रैंड चेरोकी समिट 2022 स्पेशल विनियर गोल्डन वाइट एडिशन, वाइट गोल्ड एडिशन या फिर गोल्डन वाइट एडिशन, इसका ऐसा ही कुछ नाम है भाई। इस गाड़ी की हाइट तुम देखो, लिटरल भाई एक मर्सिडीज AMG वैगन से भी ज़्यादा बड़ी इस गाड़ी की हाइट है नॉन हाइड्रोलिक के अंदर। सोचो अगर मैं इस गाड़ी के अंदर हाइड्रोलिक लगा दूंगा तो भाई क्या ही तबाही मचाएगी भाई ये गाड़ी। भाई इस गाड़ी की स्पीड भी बहुत अच्छी खासी, ऑफ रोडिंग कैपेबिलिटीज़ बहुत अच्छी है बिकॉज भाई फुल फ्लेज SUV है। और भाई इसका इंजन वे देखो भाई, भाई इसका इंजन वे भी बहुत अच्छा है भाई, इंजन भाई क्या ही पावरफुल इंजन है भाई, क्या मोटा मोटा इंजन है। और भाई इसका बम्पर और भाई इसका आगे का बोनट भी कितना बड़ा है भाई, लेकिन भाई ये गाड़ी भी बहुत अच्छी है भाई। इसका साइज़ देखो भाई, फ्रैंकलिन से कितनी ऊपर है बिना हाइड्रोलिक्स ऑन हुए, इतनी अपनी नोवा क्रेस्टा हाइड्रोलिक्स ऑन करने पे है। उसके बाद भाई ये है लास्ट गाड़ी, मर्सिडीज़ G63 वैगन ब्राबुस रॉकेट 900 स्पेशल गोल्डन कार्बन इंटीरियर वाला एडिशन। भाई इसके व्हील्स भी गोल्डन कलर के अंदर है एंड भाई ये फुल फ्लैश्ड गोल्डन कार है भाई, मतलब इसके अंदर प्योर गोल्ड कुछ भी नहीं है, गोल्डन पेंट है। मगर हाँ भाई ये भी बहुत अच्छी गाड़ी है भाई। इसका इंजन बे मैं अगर तुमको हो सका दिखा दूंगा, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि भाई ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, माइकल का भी और अपना भी, इन गाड़ियों को फटाफट भाई मतलब है ना ऊपर लेकर चलते हैं और भाई उस माफिया को फ़ोन करते हैं कि भाई तू अपनी गाड़ी लेने आ जा, डील डाल करते हैं और भाई इन फटाफट इनको निकाल देते हैं भाई। और तुम मुझे बताना अगर तुम लोगों को इन गाड़ियों का अगर एक रिव्यू चाहिए तो तुम मुझे नीचे कमेंट्स में स्टिल बता सकते हो, मैं इन गाड़ियों का एक पर्सनल रिव्यू बना दूंगा। मैं माइकल को बोलता हूँ कि भाई तू माफिया को फ़ोन कर दे और मैं इन गाड़ियों को ऊपर लेके चलता हूँ उस शेड के अंदर, और देन तू भी आ जा और मैं अपनी गाड़ी को भी लेके चलता हूँ, माइकल को यहाँ छोड़ के फटाफट निकल लेंगे भाई अपना काम करने। सो ओके गाइस, जैसे तुम देख सकते हो ये 6 गाड़ियाँ मैं ऊपर ला चुका हूँ, और इन गाड़ियों का अगर तुमको रिव्यू चाहिए तो तुम मेरे को बता सकते हो, मैं तुमको आखिरी बार बोल रहा हूँ, इसके बाद मैं तुमको नहीं पकाने वाला इस बात से। एंड अब भाई माइकल चल इजाज़त दे, मैं निकलता हूँ, एक बार तुम लास्ट बार और देख लो X7 StarTech ब्राबोस रॉकेट 900 डिफेंडर समिट 2022 EQS कंसेप्ट वैगन एंड फोर्ड की ब्रोंको वाइल्ड ट्रैक। तो कोई नहीं गाइस, ये गाड़ी भी अपन खरीदेंगे फ्यूचर में जल्दी अगर पैसा रहा और आप लोगों ने साथ दिया, असलियत में भी ले देंगे, असलियत में भी रिव्यू बनाएंगे। लेकिन भाई अब आज की वीडियो के लिए भाई इन गाड़ियों को अलविदा कहना पड़ेगा। तो मतलब अभी गाड़ियों को अलविदा कह रहा हूँ, अभी वीडियो खत्म नहीं हो रही है, अभी वीडियो बन अभी थोड़ी सी बची है। तो कोई नहीं गाइस, मैं माइकल को बोल रहा हूँ भाई माइफा से पूछ ले, और भाई मैं रुकूँ क्या, रुकूँ ऐसे रुके, मतलब पूरा पूछ पाछ करके निकलेंगे अपन अगर निकलेंगे तो, वरना भाई माइकल को साथ में लेके चल चलेंगे, आफ्टर ऑल हमारा घर आसपास ही, हम एक ही शहर के पड़ोसी है।
या फिर एक ही शहर के वो है लोग हैं, तो पूछता हूँ माइकल से क्या करना है, फिर हम भाई फटाफट निकलते हैं, क्या करना है मैं एक बार पूछ पाछ लूँ इससे भाई से। सो ओके गाइस, माइकल ने मेरे को बोल दिया निकल, और भाई मैं ये किसी तो ड्राइविंग स्कूल में आ गया, और भाई इस लड़की ने मुझे अपॉइंटमेंट लिया था, मेरे से कुछ मिलना है। भाई मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये लड़की मुझसे बात क्या करना चाह रही है, मैं इस लड़की से बात भी करना है, और भाई ये बता ही नहीं रही लड़की। भाई दीदी क्या बात करनी है आपको, दीदी बात तो बताओ। अरे भाई बोलो भाई, ये लड़की कुछ बोल ही नहीं रही। अब मेरे पास इसका ब्लू मार्कर भी आ रहा है, लेकिन भाई अब ये बोल ही नहीं रही लड़की, इसको क्या हेल्प चाहिए, क्या कुछ चाहिए, इस आंटी से लगी हुई है। एक काम करता हूँ, इस आंटी को मार देता हूँ। अरे भाई आंटी हट जाओ यार, मेरे को उससे बात करनी है। अरे आंटी हट जाओ यार, मैं इस आंटी को उड़ा देता हूँ यार। लेकिन फिर ये लड़की के ऊपर गलत इंप्रेशन पड़ेगा। मैं एक काम करता हूँ, इस आंटी को वास्तव में उड़ा देता हूँ, एक बार गोली चलाऊँ यहाँ पे। भाई देख भी नहीं रही, इग्नोर मार रही है। भाई आंटी गए आप, आंटी आप गए। अरे तू डर क्यों रही है यार, मैं तेरे से बात करने आया हूँ। भाई डरे मत, मैं तेरे से बात करने आया हूँ यार। क्या नाम है दीदी आपका, दीदी आपका नाम क्या है? मैं एक बार बाहर जाके आऊँ यार, देखूँ ये लड़की रुके तो। ओके भाई क्या है, डंपिंग ग्राउंड है? अरे यार ये जस्ट गेट के उधर है, गेट तोड़ के या गेट कूद के आ सकता था मैं। और भाई दीदी वो अरे वो लड़की कहाँ गई भाग? अरे यार वो कहीं पुलिस को ना बोल दे। अरे भाई भाई चीटिंग कर दी। भाई मेरी गाड़ी कहाँ है, मेरी गाड़ी कहाँ है? अरे मेरी, अरे भाई पुलिस बाहर ही है। अरे भाई जल्दी भागो, जल्दी भाग, जल्दी भाग, अपनी इनोवा क्रेस्टा भी ले। इनोवा क्रेस्टा आ गई, इनोवा क्रेस्टा देखेंगे, इनोवा क्रेस्टा सीख रहेंगे। भाई 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 भाग 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 भाग, निकल 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 भाई, जल्दी निकलो यहाँ से। अरे हाईवे कहाँ है, हाईवे हाईवे। अरे एक सर पुलिस भी लग गई भाई, ना जान उसकी पुलिस नहीं लगाई। अरे भाई 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 हटो 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 हटो, इधर हटो इधर हटो इधर हटो हटो हटो, गेट आ साइड फूल्स। भाई 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 थोड़ी स्पीड थोड़ी स्पीड थोड़ी स्पीड थोड़ी स्पीड थोड़ी सी स्पीड, और घूम 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 घूमना इतनी देर में यार, गाड़ी घूमती नहीं है भाई, ये बहुत फर्जी गाड़ी है भाई ये। अरे भाई हाँ चलो पुलिस हट गई, लेकिन कोई नहीं, मैं फटाफट जा रहा हूँ अपने शहर में। भाई अपने शहर में ही सबसे ज़्यादा गैंगस्टर फील करते हैं हम भाई, ये गलत है भाई, ये गलत है। कोई नहीं गाइस, मैं फटाफट अपने शहर में अपने घर में घुसता हूँ, और उसके बाद मैं तुमसे बात करता हूँ, और भाई ख़त्म करते हैं भाई इस वीडियो को। बहुत अच्छा रहा भाई, आज हमने टोटल 6 गाड़ियाँ चुराई, देन उनको ट्रेड इन करके कोई 6 गाड़ियाँ एक माफिया को दी, एंड भाई उसके बाद हम लोगों ने एक अपनी तीनों की तीनों गाड़ियाँ भी सीख करवा ली। बस अपनी टोयोटा इनोवा क्रेस्टा के अंदर कुछ है। और भाई वेट अ सेकंड, व्हाट द हैक ब्रो, अपने भाई, अरे यार पुलिस लग गई, अच्छी खबर बताती। भाई तुम ध्यान से देखो, अपना जो मनी बार है, मनी बार के अंदर अपना $6 मिलियन यानी कि $15 मिलियन का 40% पैसा अपने आ चुका है भाई। भाई 2.22 थे, 2.1 थे, जो भी थे, लेकिन भाई अब $8 मिलियन हो चुके हैं भाई। अब अपन घर भी खरीद सकते हैं, शायद तक $10 मिलियन का हुआ तो नहीं खरीद पाएंगे, बाकी भाई अपन बहुत चीज़ें खरीद सकते हैं भाई अब तो। भाई ओ गाइस मज़ा आ गया भाई, अब अपन थोड़ा बिजनेस में ध्यान देंगे और थोड़ा पैसा वैसा लगाएंगे। तो गाइज अब तुम लोगों को पूरा साथ देना है। देखो भाई अब देखो 210 तो हुई नहीं स्पीड, लेकिन भाई तुम फिर भी अपनी दोस्तों को ये वीडियो शेयर कर दो, जो लोग GTA में थोड़ा बहुत इंटरेस्ट रखते हैं, कुछ भी है वैसे है, तो तुम लोग ये वीडियो उनको शेयर कर दो। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो, एंड कमेंट करके बताना कि हम मेरे को उन सारी गाड़ियों का एक एक रिव्यू तुम लोगों के लिए करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ऑब्वियस मुझे भी फ़ायदा होगा, उससे चैनल की एंगेजमेंट थोड़ी बढ़ेगी, एंड थोड़ी शॉर्ट वीडियोस भी आएगी ताकि ज़्यादातर लोग पूरी पूरी देख सके, ऑडियंस रिटेंशन भी थोड़ा बहुत सही हो मेरे चैनल का, एंड थोड़ा चैनल ग्रोथ भी हो। सो कोई नहीं गाइस, अभी मैं फटाफट अपने घर चलता हूँ, घर पे पहुँच के आराम से सांस लेता हूँ, चैन की कपड़े वपड़े चेंज करूँ फटाफट, बिकॉज भाई सूट के अंदर भाई अच्छा तो लगता है फ्रैंकलिन, लेकिन भाई जान भी अटक जाती है। और भाई मैं इस गाड़ी को अभी यहीं छोड़ देता हूँ भाई, फटाफट घर के अंदर चल भाई, घर के अंदर चल सबसे पहले फटाफट भाई। सो ओके गाइस, अगर तुम लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर करना, और भाई कमेंट करके बताना कि तुमको, फाइनल बोल रहा हूँ इसके बाद नहीं बोलूँगा वापस, चाहिए कि नहीं चाहिए रिव्यू। सब्सक्राइब कर दो चैनल को, ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए बने रहो मेरे साथ चैनल के ऊपर। और मैं श्योरिटी देता हूँ कि अब इतना लंबा टाइम नहीं लगेगा GTA की वीडियो आने में, मैं जल्दी जल्दी काम करूँगा, बिकॉज भाई GTA की एक वीडियो के लिए करीबन मेरे को 2 से 3 दिन लग जाते हैं, कई बार स्क्रिप्टिंग नहीं हो पाती तो एक एक दो दो हफ्ते भी लग जाते हैं भाई स्क्रिप्टिंग करने के लिए, बिकॉज भाई स्क्रिप्टिंग ही मेन होती है GTA की एक स्टोरी टाइम, खुद की स्टोरी टाइम वीडियो के अंदर, वरना मैं कोई मिशन खेल खाल के तुमको दे दूँ
मगर भाई थोड़ा सा एफर्ट लगा रहे हैं, खुद की कस्टम स्टोरी लाइन बना रहे हैं, और भाई मोबाइल पे करना लाइक इट्स नॉट दैट ईजी। सो होप सो तुम लोगों को वीडियो पसंद आई हो, अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो यू नो गाइस व्हाट टू डू। मिलता मैं तुम लोगों से अगली वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए गुड बाय, सी यू, टडा। एंड डेली ग्राइंड भी जल्दी आएगा, बस एक बार फ़ोन थोड़ा अपग्रेड हो जाए, डेली ग्राइंड अपने कोड एम का। जिन लोगों को नहीं पता क्या बात हो रही है, तुम लोग ज़रा आई बटन में ये वाली लिंक पे विजिट करो, तुमको पता चल जाएगा डेली ग्राइंड क्या होता है अपने। एंड भाई माइनक्राफ्ट की भी जल्दी आएगी, तो उसके लिए भी थोड़ा सा वेट कर लो। एंड मैं लोग तुमसे मिलता हूँ थोड़ी ही देर में, तब तक के लिए गुड बाय, पीस। Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up, that's a fact. Never looking back, I'm a